which is divided into two sessions. And topic of first session will be on impact of COVID relief measures on GST compliances and Supreme Court judgment on limitation and amendment in GST Council meeting held yesterday, which will be deliberated by CA Chitresh Gupta ji. And second session will be on panel discussion along with queries of members. And the panelists for this session will be CA Rohit Vaswani ji, advisor BBS GST group, and advocate CA Puneet Agarwal ji, general secretary of BBSS. Namaskar Rohit ji. Now I request all the members on the dais and all the participants to keep silence for 1 minute for members who left us for heavenly abode during this pandemic. So friends, हम लोग 1 मिनट का उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखना चाहेंगे. I think let us start. ओम शांति, ओम शांति. फ्रेंड्स, वी आल्सो प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ द मेंबर्स हु आर स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट दिस डेडली पेंडेमिक. तो फ्रेंड्स, हर सब लोग स्वस्थ रहें. सब लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया होगा. जिन्होंने नहीं लिया हो वो भी वैक्सीनेशन करा लें. स्वस्थ रहने की सबकी कामना करते हैं. नाउ आई रिक्वेस्ट सीए संदीप शर्मा जी फॉर वेलकम एड्रेस. थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स अ लॉट. आप सभी को मेरा नमस्कार. हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट विपिन अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल जी, हमारे आज के स्पीकर चित्रेश गुप्ता जी, हमारे कन्वेनर संजय गर्ग जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और आज के पैनलिस्ट रोहित वासवानी जी ऑलरेडी आ चुके हैं. साथ ही साथ आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत स्वागत है. On behalf of BBSS, I welcome all of you on the board. Friends, आज जो हम discussion करने जा रहे हैं, जो topic है आज का, that was topic is all about impact of COVID relief measures on GST compliances and SC judgment on limitation and amendment in GST council meeting. आप सबको पता है जैसे 43rd जो GST council की meeting जो कल हुई थी, बहुत सारी announcement हुई है, कुछ schemes भी आई हुई है. तो थोड़ी उस पर भी चर्चा करेंगे. कुछ लिमिटेशन एक्ट के में भी कुछ थी, जो जजमेंट आई थी एससी की, तो उसकी भी डिस्कशन होगी और अच्छी डिस्कशन होगी. और साथ ही साथ बहुत सारे रिलीफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेसमैन को दिया है, टैक्स पेयर को दिया है, उसके बारे में भी अच्छी चर्चा होगी. आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रख सके इंटरेक्टिव रखें. फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, BBSS भारतीय वित्तीय सलाहकार समिति भारत का एक, अगर आप इसको ये मान के चलो कि एक लीडिंग थिंक टैंक मान के चलो, BBSS एज ए लीडिंग थिंक टैंक काम करता है. इट्स अ ग्रुप ऑफ फिनेंस प्रोफेशनल, CA, CS, ISWA, बैंकर, एडवोकेट्स, ब्रोकर्स, काफ़ी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व. और अगर आपको बताऊं तो आपको पता भी होगा कि हमारी बेंगलोर वाली चैप्टर भी बहुत एक्टिव रहती है, आगरा में भी चैप्टर है, और साथ ही साथ अभी कई जगह और भी स्टार्ट होने की बात है. फ्रेंड्स, जो BBSS की जो दिल्ली ब्रांच है, अराउंड 11 ग्रुप चलाती है. 11 में हमारी 5 स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, 6 हमारी एजुकेशन ग्रुप है. 6 एजुकेशन ग्रुप में हम GST की अलग ग्रुप चलाते हैं, डायरेक्ट टैक्स की अलग ग्रुप चलाते हैं, कॉरपोरेट लॉ एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस ग्रुप चलाते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की ग्रुप चलाते हैं,
साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस मैनेजमेंट के भी ग्रुप चलाते हैं जो कि हमारी यंगस्टर टीम्स देखती हैं। फ्रेंड्स, हमारा काम केवल डिफरेंट सब्जेक्ट पे, डिफरेंट इकोनॉमी सब्जेक्ट पे और टैक्सेशन सब्जेक्ट पे डिस्कस करना नहीं, साथ ही साथ हमारा ये भी योगदान रहता है कि हम राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान करें, राष्ट्र में जरूरत के समय हम कैसे एक सहभागी बने। जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा, कई लोग आप लोगों ने शायद आप लोगों ने भाग भी लिया होगा, उस समय पहले हमने सेवा भारती के साथ मिलके एक प्रोग्राम हमने एक डोनेशन का एक हमने कुछ कैंपेन चलाया था और बड़े ये आपको बहुत जानकर खुशी होगी बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने भी भारतीय वित्तीय सलाहकार समिति के मेंबर्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और ये एक अच्छा संदेश जाता है। केवल ये आपको पर्सनल लेवल पे तो नहीं, पर्सनल लेवल पे ही ना, केवल ये समाज के लिए भी बड़ा अच्छा संदेश जाता है। बड़ी दिल से भी प्रसन्नता होती है कि हमारे मेंबर्स केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते हैं, नॉट ओनली दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स बट दे ऑल्सो अबाउट द सोशल इक्वेशन, सोशल सिनर्जी, सोशल हेल्थ और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, जिन्होंने अभी हमारे कैंपेन में भाग लिया था सेवा भारती के साथ, और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे भी हम BBSS की तरफ से जो भी कैंपेन चलाएंगे आप सभी का सहयोग ऐसा ही बना रहेगा और आप सभी का पार्टिसिपेशन बना रहेगा। तो अब मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा और मैं ओवर टू सुनील गुप्ता जी को करना चाहूंगा बिकॉज हमारी समय की समय सीमा है, आई थिंक 4:10 हो गए, तो ओवर टू यू सुनील जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अवर स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट। First of all, I would like to introduce C.H. Chitraj Gupta ji, speaker of today's program. C.H. Chitraj Gupta ji is a FCA, LLB and BCom honors. He has completed his graduation from Delhi University. He is a member of Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce. He is a senior partner in Messrs. Chitraj Gupta & Associates. He is a leading peer review firm in Delhi NCR region. He has worked extensively in the field of VAT and service tax, GST. In his over 19 years of professional career, he has been involved with various facets of indirect taxation. He is on the panel of consultants for various companies. His clients include various multinationals, including limited companies. He has been intensively associated with taxation matters, including representation at various authorities. He is also a regular faculty at National Academy of Excise, Custom and Narcotics and Apex Institute of Government of India for capacity building in the field of indirect taxation. He has authored various books on GST, namely An Insight into GST, 2 editions and white paper on GST, GST Law Analysis and Procedure, 6 editions, and has been a regular speaker on this subject in various CS study circles, bar association, and other professional forums, and delivered more than 350 lectures. He is also empaneled as GST faculty at ICI. So, Chitraj Gupta ji, we acknowledge your contribution to our profession. Thank you, sir. Now, I would like to introduce both the panelists. CA Rohit Vaswani ji, past president of BBSS, is a well-known and experienced speaker. I'm ranting lecture on various study circle, ICSI faculty for various courses, bar association, corporate trade association, and academic institution on indirect taxes and GST for more than a decade. We acknowledge his contribution to our profession, Rohit ji. Now, advocate CA Puneet Agarwal ji, general secretary of BBSS, is having 15 years experience in providing tax and legal services. He possesses knowledge and strong command on subject, especially for arguing tax and constitutional matters in high courts of various states across India. He is contributing a lot by making representation on various issues on behalf of CA fraternity to the tax authorities, courts, and government. So friends, we should acknowledge Puneet Agarwal ji's contribution to our profession. Now, without taking much time, I would like to request CA Chitraj Gupta ji to start his delegation. Chitraj ji,
क्या हुआ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया क्या? मेरे को लगता है वो दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा उनको। अच्छा कर लेंगे अभी वो, एक एक मिनट लगेगा आई थिंक। कनेक्टिविटी इश्यूज देयर। ये कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है कभी बीच बीच में। एक बार सुनील जी कॉल करके देख लो आपको। अच्छा, हाँ करीब करीब वो पावर फेलियर हो गया था कुछ, वो अभी हो रहे हैं कनेक्ट। तो 51 लोग हो गए। आ गए चित्रेश जी। सर चित्रेश जी, सर मैं ऑडिबल हूँ। या 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 सर, यू स्टार्ट योर डेलीब्रेशन सर। या सॉरी देयर वाज सम पावर फेलियर एट माय एंड। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ BVSS फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माय थॉट्स ऑन जस्ट दिस हॉट टॉपिक ऑफ GST। आई थिंक प्रोबेबली this is the first webinar which is going on this 43rd GST council meeting, and I think BVSS is really fast in organizing this webinar. So friends, I am just sharing my presentation so that we can start the deliberation. I hope my presentation is visible to everybody. Yes. So, sir, the topic for today is analysis or recommendation of 43rd GST Council meeting and Supreme Court order on limitation. So, friends, as we know, yesterday the GST Council meeting was there, and a lot of recommendation has been made by the GST Council meeting to provide the COVID relief. So, I'll be discussing each of the recommendation which has been made by GST Council meeting in detail. So first, I'll be covering the recommendation of GST Council meeting via COVID relief measures. Then I'll be covering the recommendation of GST Council with regard to the other GST compliance initiative. Then I'll be covering the Supreme Court order on the extension of limitation period. Now let us first discuss the analysis or impact of COVID-19 relief measure recommendation in 43rd GST Council meeting. First, I'll be covering the compliance measures. So, friends, if we see almost हमें जो है 1.5 year हो गया है इस pandemic से struggle करते हुए, but as I see the government is very reluctant to give the relaxations, and in fact everybody is facing lot of trouble in this pandemic time. But the government is coming out with the relaxations which are very inadequate. I don't know what is the reason why they are providing so less relaxation, and more so the relaxations are providing in a very difficult way, because it is very difficult to remember by the professionals, and they are not straightway extending the deadlines so that each and everybody can easily remember the dates and do the compliance.
इनफैक्ट दे आर कॉम्प्लिकेटिंग द मैटर. तो इफ आई टॉक अबाउट द रिलीफ, अगर मैं पहले रिलीफ की बात करूं तो अभी जो गवर्नमेंट ने ऑन 1 मई 2021 को काफी सारी उन्होंने नोटिफिकेशन इशू करी थी टू प्रोवाइड द कोविड रिलीफ, एंड द नोटिफिकेशन वर कंटेनिंग द रिलीफ विद रिस्पेक्ट टू लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, देन वेवर ऑफ लेट फीस, देन एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, देन देर वाज रिलैक्सेशन इन एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4. Then the government has also had also extended the time limit for specified compliances. Then there were some relaxation in case of companies that they were allowed to file the GSTR 1 and 3B through electronic verification code instead of digital signature. So these 9 number of notifications were issued earlier, and yesterday there was GST Council meeting wherein the GST Council has done two things. First, they have extended the limitations with regard to the month of May and provided some other additional relaxations. So, पहली जो relaxation मेरी compliance के case में आई है, that is with respect to GSTR 3B और CMP 08 for the month of मार्च. तो सर जो जीएसटी काउंसिल ने जो बेसिकली जो रिलैक्सेशन आ रही है, तो आई विल बी डिस्कसिंग द रिलैक्सेशन मंथ वाइज, बिकॉज एज आई सेड कि द रिलैक्सेशन आर कमिंग इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे. तो द जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड एंड नोटिफाइड डिफरेंट रिलैक्सेशन फॉर डिफरेंट मंथ. तो जैसे हम अभी जीएसटी 3B की बात कर रहे हैं, तो मार्च में 3B में कुछ रिलैक्सेशन थी. In the month of April, there are certain other relaxation, and in the month of May, there are certain other relaxations. So we cannot compare the relaxation, and the relaxations are not similar. So the relaxations are provided in a very complicated way. So what I have done in my slides, जो उन्होंने GST Council ने जो पहले relaxation दी हुई थी for the month of मार्च एंड अप्रैल, आई हैव गिव दोज रिलैक्सेशन एज इट इज, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सट्रापोलेट दोज अजम्पशंस बेस्ड ऑन द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन इन द यस्टरडे मीटिंग. तो अगर मैं जीएसटी काउंसिल की जो मार्च में जो उन्होंने जीएसटी 3B और सीएमपी 08 में रिलैक्सेशन दी है उसकी बात करूँ, तो इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो उस केस में इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा फॉर द फर्स्ट डिले ऑफ फॉर फर्स्ट 15 डेज देयर विल बी 9% इंटरेस्ट, फॉर नेक्स्ट 15 डेज द इंटरेस्ट विल बी 18% एंड आफ्टर 30 डे इट विल बी 18%. मीनिंग देयर बाय इफ यू सी इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, मीनिंग देयर बाय लार्ज टैक्स पेयर्स, देयर इज वर्चुअल नो रिलैक्सेशन which has been provided by the government in terms of relaxation in the interest. So in case of large company, the interest will be payable even for the first 15 days of delay in filing GSTR 3B, and that interest is 9%. And after 15 days delay, the interest will be at the normal rate, which is 18%. Now, if I talk about in the case of small taxpayers, the taxpayer whose turnover up to 5 crores and have opted for monthly return filing, that is GST 3B. So for the first 15 days, there is a nil interest liability, and for next 45 days, the interest liability will be 9%, and after 60 days, the interest liability will be 18%. Or agar wo within 60 days from the due date of filing return, apni GST 3B file kar dete hain, so there will be waiver of late fee also. Then in case of taxpayer having turnover up to 5 crores and which have opted for QRMP scheme, in that case there will be no interest for the first 15 days, and for next 45 days the interest will be 9%, and after 60 days they will be liable to pay
interest at the rate of 18%. And again, in this case also, if they file the return within 60 days from the due date, in that case, there is a waiver of late fee. And if I talk about the composition taxpayer, the composition taxpayer is filing CMP 08. So in case of CMP 08, for the first 15 days, there will be no interest. For next 45 days, the interest rate will be 9%. And after 60 days, the interest rate will be 18%. And in case of CMP 08, no late fee is applicable. तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं इस स्लाइड में कि उन्होंने कितना डिफिकल्ट कर दिया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि पहले 15 दिन नहीं लगेगी, फिर 45 दिन 9% होगा, फिर उसके 60 दिन बाद जो आप पेमेंट करेंगे वो 18% होगा. सिमिलरली रिलैक्सेशन ऑफ लेट फी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेज ऑफ फाइलिंग. सो इट इज कॉम्प्लिकेटिंग द मैटर. एंड वी मे ऑल्सो नोट दैट कि इन केस ऑफ जीएसटीआर 3B, उन्होंने जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट नहीं बढ़ाई है. उन्होंने खाली हमें इंटरेस्ट रेट में और लेट फीस में रिलैक्सेशन दी है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट एक्सटेंडेड द डेट फॉर फाइलिंग द जीएसटीआर 3B आउटराइटली एंड डूइंग गिविंग द रिलैक्सेशन दिस वे. नाउ सर, if I come to the relaxation for the month of April 2021 in case of GSTR 3B, so in the first case, in case of taxpayer having turnover more than 5 crore in the preceding financial year, so is case mein again they have not provided much relaxation. So again it is same for the first 15 days of delay, the interest rate will be 9%. For the next 15 days, basically after 15 days, the interest rate will be 18%. And for the first 15 days, if you file the return from the due date, then they will not levy any late fee. And if you file the return after 15 days from the due date of filing GSTR 3B, so certainly you will be liable to pay the interest. So now, if I take the case of taxpayer having turnover up to 5 crores and who have opted for monthly return filing. So in that case also, they say for the first 15 days, there will be no interest. And for next 30 days, the interest will be 9%. And after 45 days, there will be normal interest rate of 18%. So friends, we can see here, पहले जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था वहां पर जो है 30 डेज नहीं था, 45 डेज थे, मतलब कि 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं था. फॉर नेक्स्ट 45 डेज इट वाज 9% एंड आफ्टर 60 डेज इट वाज 18%. बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल दे हैव चेंज द 45 डेज टू 30 डेज. एंड अगेन इन केस ऑफ लेट फीस, वेवर ऑफ लेट फीस, इफ यू फाइल द जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल within 45 days from the due date, there is waiver of late fee. And in the month of March, it was 60 days. The another is in case of taxpayer having turnover up to 5 crores and under QRMP scheme. So, jo QRMP scheme mein hote hai, unko jo month on month basis, jo first or second month pe file karna hota hai, wo PMT 06 file karna hota hai for making payment of tax. तो इस केस में उन्होंने कहा फॉर द 15 डेज ऑफ डिले देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट एंड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ डिले देयर बी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% एंड आफ्टर 45 डेज दे विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% एंड देयर विल नॉट बी एनी लेट फी इफ दे फाइल द फॉर्म PMT 06 विद इन 45 डेज. Then let us come to the relaxation for the month of May 2021. So friends, जो पहले notification आई थी, जो first May 2021 को आई थी, उन्होंने खाली 2 महीने के लिए relaxation दी थी, that is for the month of March and April. Now they have extended the relaxation for the month of May 2021 also. So in case of taxpayer having turnover more than 5 crore in the preceding financial year. So again, there is no not much relaxation. So the relaxation which the government has given in the month of
March and April, that relaxation they have given in the month of May also. That is for the first 15 days of delay, they will be liable to pay interest at the rate of 9%. And beyond 15 days delay, they will be liable to pay interest at the rate of 18%. And if they file the GSTR 3B within 15 days from the due date, there will not be any late fee. So the way the government is giving the relaxation, it is looking like there is a difference between the large businesses and small businesses. The large businesses do not get impacted due to pandemic, but the small businesses get impacted due to pandemic. So I think this is the differentiation which is being made by the government. कि जो बड़े लोग हैं उनको जो है पेंडेमिक से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, जो छोटे लोग हैं उन्हीं को ही सारा इम्पैक्ट हो रहा है. तो इन द सेकेंड केस, द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड हैव ऑप्टेड फॉर मंथली जीएसटीआर 3B फाइलिंग. तो इस केस में भी सिमिलर काइंड ऑफ रिलैक्सेशन उन्होंने दिए हैं फॉर द मंथ ऑफ मे ऑल्सो. तो फॉर फर्स्ट 15 डेज द इंटरेस्ट विल बी निल, फॉर नेक्स्ट 15 डेज इट विल बी 9%. And for another 30 days, it will be 18%. And there will not be any late fees if the return is filed within 30 days from the due date. So friends, अगर हम यहाँ नोट करें तो पहले मार्च में क्या था, जो नेक्स्ट 45 डेज था उसके लिए ब्याज जो है 9% था. एंड जो हमारा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल था उस पर फॉर नेक्स्ट 30 डेज के लिए ब्याज 9% था. और इन द मंथ ऑफ मे फॉर नेक्स्ट 15 डेज इट इज 9%. तो 15 डेज वो रिड्यूस करते गए हैं हर बार. देन इफ आई टेक द थर्ड केस, इन केस ऑफ ए टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड अंडर QRMP स्कीम, तो दैट टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल PMT 06. तो अगर वो फाइल कर देते हैं विदिन 15 डेज, so the interest will be nil, and for next 15 days it will be 9%, and after 30 days it will be 18%, and no late fee payable for filing PMT 06. I think in the last slide I have written the late fees will be applicable after some time. I think that is the correction which needs to be made in the third point. So no late fee is liable in case of PMT 06. So if I talk about the issues, as a professional, I find it very difficult to remember these kind of relaxations which has been given by the government, because you have to calculate the date every time separately for different type of taxpayers. कि कब उसे जो है late fees नहीं देनी है, कब उसे जो है ब्याज नहीं लगेगा, कितने दिन तक 9% लगेगा, कितने दिन तक 18% लगेगा. It is a very difficult task to remember. In my view, instead of giving the relaxation in such a way, the government should have outrightly extended the date for filing GSTR 3B to make the life simple of the professionals and as well as the companies. Further, if you see, as I already discussed in the presentation, virtually the government has given no relief to the large taxpayers, because in case of large taxpayers, they are required to pay interest at the rate of 9%. After the original date of filing GSTR 3B. So where is the relief? For the first 15 days, they are paying the 9% interest, and after 15 days, they are paying the full interest at the rate of 18%. So where is the relief for the large taxpayer? So it means the large taxpayer is only getting the relief in the payment of few rupees in the late fees, and a tax liability which they discharge in crores of rupees, they will be liable to pay byaj at the rate of 9%. I think that is very unjustified. Yes, just for because you are raising this issue, yeah, I am just putting forth the submission of the government, yeah, which is there on record in form of an affidavit in the High Court. Yeah, they are saying that if you are doing business, I would like to have your comments on this. That's why I stopped you. They are saying if you are doing business and if there is revenue incurring to you in this COVID pandemic period also, then what is the rationale for granting you the benefit? This is the question which they are raising. So if you, what are your views on this? Sir, in my view, it has nothing to do with the revenue.
I think it is it we have to see the entire situation. When my employee is not coming to office, I don't have the system to calculate the tax liability. Everybody in everybody's home there is a some other problem, and some many people are suffering from COVID. So in this kind of atmosphere, the government is expecting me. So I should go to the office, calculate the tax liability and take out the revenue and how much tax needs to be deposited. So whether anything is happening to my family. So it is what the government is trying to say. I think it is not a matter of money. Nobody wants to save the money. I think it is a matter of humanitarian ground. When in the month of April, we have seen so much hue and cry and everybody is just trying to save their lives and trying to get rid of this COVID. Now the government is thinking we are trying to save the money. No, nobody is trying to save the money now. I think you will agree with me. We are not delaying the tax intentionally. It is because of the situation. In fact, if I tell you in my own case, I have all the records in my office. There was a lockdown. How should I go in my office in the lockdown and get the records and compute the liability? When I ask my client, my staff is also having some problem in the family. So virtually I am not aware of the liability. How much I need to pay? So I think the logic given by government, I don't agree with the logic because it has nothing to do with the saving the money, I think, getting the revenue. I think it is depend on the situation which is prevailing at that point of time. So फिर तो हम इसमें small taxpayer में भी कह सकते हैं, revenue तो उसने भी कमाई है. है पुनीत जी, what is your view? नहीं, ठीक बात है, मैं वही आपका फीडबैक लेना चाहता था, बिकॉज गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. खाली गवर्नमेंट का केवल ये रिटन में डॉक एफिडेविट है उनका, बड़े सीनियर ऑफिसर का एफिडेविट है, और सरकार बिल्कुल हाई कोर्ट में यही प्लीड भी कर रही है. और दूसरा ये कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी जो किया है वो आई एम नॉट टू श्योर कि कितना एडिक्वेट है जो आप कह ही रहे हो. मतलब डेफिनेटली दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव बीन ट्राइंग टू से. ठीक है सर, आगे चलते हैं. सर, लेट्स सी एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑन अदर जीएसटी कंप्लायंसेस. तो सर पहले एक नोटिफिकेशन ये लाए थे ऑन 1 मई 2021, नोटिफिकेशन नंबर 10, वेयर इन दे सेड कि GSTR-4 जो है, जो एनुअल रिटर्न है फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, उसकी डेट उन्होंने बढ़ा दी थी फॉर 1 मंथ. तो इसकी ओरिजिनल डेट जो होती है वो 30th अप्रैल होती है, एंड बाय दिस नोटिफिकेशन दे हैव एक्सटेंडेड दिस डेट अप टू 31st May 2021. तो जो कल मीटिंग हुई है उसमें दे हैव प्रपोज टू फर्दर एक्सटेंड दिस डेट अप टू 31st July 2021. तो आई थिंक देर इज नो इश्यू इन दैट. देन there is one form which is ITC-04, which is actually a job work return ki maine kitna maal job worker ko bheja aur kitna maine receive hua. So this return is filed every quarter. So for the last quarter ending March 2021, this return was required to be filed by 25th April 2021, and because of this pandemic they have issued the notification earlier and they have extended this date up to 31st May 2021. So looking at the present situation, the GST Council has further proposed to extend this date to 30th June 2021. So they have again extended this due date by another 1 month. Now let us come to extension of due date for filing of GSTR-1 and invoice furnishing facility. So sir, जो हमारी इनवॉइस GSTR-1 फाइल होनी थी 41 मंथ ऑफ अप्रैल, उसकी डेट उन्होंने पहले एक्सटेंड कर दी थी बाय 15 डेज, तो वो डेट उन्होंने फर्दर एक्सटेंड नहीं करी थी. तो अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो इन केस ऑफ GSTR-1 दी ओरिजिनल डेट वाज 11th मई, एंड दिस डेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 15 डेज, एंड दी एक्सटेंडेड डेट वाज 26th मई 2021. So this date was not further extended by the government.
And in case of invoice furnishing facility for the month of April, the original date was 13th May, and this date was also extended by 15 days, or the extended date was 28th May 2021. तो अभी जो कल जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई, उन्होंने ये इन डेटों को कुछ नहीं करा, जो कि ये डेटे ऑलरेडी निकल गई थी। उन्होंने बस ये करा कि जो मई की जीएसटी आर वन है और या जो मई की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, उसकी डेट इन्होंने बाय 15 डेज इन्होंने एक्सटेंड कर दी। तो ड्यू टू दिस, तो जो जीएसटी आर वन है मेरी फॉर द मंथ ऑफ मई, विच वॉज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय 11th June 2021, can now be filed up to 26 June 2021. Similarly, in case of invoice furnishing facility for the month of May, which was required to be filed by 13 June 2021, the same can be filed by 28 June 2021. So, 15 din ka in dono mein inhone relaxation de diya hai. Another relaxation is in the cumulative application of Rule 36, Subrule 4 for April, May and June 2021. So, hum sabhi ko pata hai Rule 36, Subrule 4 kya hai. So, ye jo rule hai basically, it restricts the availment of input tax credit to 105% of the ITC reflected in GSTR 2A or 2B. So, they have said ki this rule has to be applied क्यूमुलेटिवली। तो पहले जो ये रिलैक्सेशन लाए थे उसमें इन्होंने कहा था ये जो रूल है ये क्यूमुलेटिवली अप्लाई होगा, और ये जो है दो मंथ के लिए क्यूमुलेटिव अप्लाई होगा, इट वाज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। तो जो मे की आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आप दोनों महीने की एडजस्टमेंट आप एक साथ में कर सकते हो। तो अगेन गिवन द पेंडेमिक सिचुएशन इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, दे हैव डिसाइडेड to further extend this relaxation, and they said now this rule can be applied cumulative for the entire quarter, meaning thereby for the month of April, May and June hum is rule ko cumulatively apply kar sakte hain, aur jo bhi iski adjustment karni hai that can be made in the month of June 2021. Phir sir ek relaxation aaya tha pehle जिसमें उन्होंने कहा था कंपनीज जो कंपनीज है उनको अपनी जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 जो रिटर्न है वो डीएससी के थ्रू फाइल करनी पड़ती है, एंड इन दिस पेंडेमिक टाइम इट इज डिफिकल्ट टू पुट द डीएससी। तो उन्होंने ये कहा था ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 24th अप्रैल 2021 टू 31st मई 2021 कंपनीज आर अलाउड टू फाइल द रिटर्न बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो अब इन्होंने रियलाइज करा कि ये पेंडेमिक थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो ये रिलैक्सेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जो कंपनीज हैं दे कैन फाइल द रिटर्न्स अप टू 31st अगस्त 2021 बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। मतलब कि अब जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक ईवीसी के थ्रू जो है 31 अगस्त तक रिटर्न अपनी फाइल कर सकती हैं। एक इन्होंने और एक नोटिफिकेशन लाए फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिफाइड कंप्लायंसेस। तो ये हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 डेटेड 1st मई 2021। इसमें उन्होंने कहा वेयर द टाइम लिमिट ऑफ एनी ऑफ द कंप्लायंस बाय द ऑफिसर और एनी पर्सन फॉल्स बिटवीन 15th अप्रैल 2021 टू 30th मई 2021 then the due date of the same shall get extended to 31st May 2021. Meaning thereby, agar aapki due date of any compliance is falling, whether by the authority or by the taxpayer, is falling between this period, 15th April 2021 to 30th May 2021. In that case, the due date of the said compliance shall be 31st May 2021. So, ab is case mein unhone kya kaha? कि जो लास्ट मीटिंग हुई है इनकी यस्टरडे, उसमें उन्होंने कहा कि इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब क्या हो गया कि जो भी कंप्लायंस की डेट 15th अप्रैल 2021 से लेकर 29 जून 2021 तक है, उसकी ड्यू डेट हम मानेंगे 30 जून 2021। मीनिंग देयर बाय दे हैव प्रोवाइडेड द मोर रिलैक्सेशन फॉर वन मोर मंथ।
However, this is subject to certain exception because this notification is not applicable in case of certain exception. But I think उन्होंने एक और बड़ा important जुमला दे दिया जिस जो इन्होंने जो GST Council के जो press release है उसमें उन्होंने लिखा है. They said कि where the timelines for the action have been extended by the Honorable Supreme Court, this same would apply. मीनिंग देयर बाय अभी तक हमारा जितने भी फोरम पे डिस्कशन हो रहा था हमारा ये डिस्कशन हो रहा था कि गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दी है इन नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 और जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज दिस नोटिफिकेशन सेज समथिंग एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड्स इवन मोर रिलीफ टू द taxpayer. So how they can issue such kind of notification? Because in the earlier notification, they have not said ki if more relief is provided by the Supreme Court, then the limitation provided by the Supreme Court will apply. Now again, in my view, the government has created a confusion for the taxpayer, and they again put it the taxpayer in the hardship because they are saying ki agar kahin par Supreme Court ki लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक्सटेंड हो रही है तो सेम वुड अप्लाई. व्हाई डोंट यू क्लेरिफाई कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल अप्लाई एंड व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल नॉट अप्लाई. मीनिंग देयर बाय हमने तो जो करना है वो कर दिया हमारे हिसाब से तो ये है. अब आप देखो अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फाउल होता है तो आप उसका बेनिफिट ले लो. ये तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने जो है टैक्स पेयर को रिलीफ देने की बजाय उन्होंने ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया है. And we all of know ki everybody is struggling to interpret that order and there are a lot of interpretation which are going on in the market ki in which situation that Supreme Court order will ultimately apply. So in my view, they have again created a confusion. Maybe just a thought jo ki ye mere ko kai baar laga ki इन्होंने इस बार इसलिए भी डाल दिया जो कि कई बार मैंने ये भी कहा कि जैसे गवर्नमेंट ये इस टाइप की नोटिफिकेशन इशू करती है विच इज कॉन्ट्रेरी टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वेदर इट कैन बी सेड एज कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज दे आर नॉट अलाउंग द रिलीफ विच हैज बीन गिवन इन द ऑर्डर बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन. तो आई थिंक बाय दिस लाइन दे जस्ट अवॉइड दोज थिंग्स. आई थिंक I don't know, Puneet ji can add further in this and Vaswani ji can also add into this. Then what are the exceptions? कि जो इस notification में जो relaxation दी गई है उसमें काफी exception है. तो उन्होंने कहा ये जो notification है जो ये relaxation है ये इन cases में apply नहीं होगा. What are those cases? Time and value of supply. Then composition scheme lapsing upon exceeding the threshold. अगर आप टर्नओवर बढ़ गई है और यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू गेट कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है. अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो अगेन देर इज नो रिलैक्सेशन. देन देर इज नो रिलैक्सेशन इन केस ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो. देन देर इज नो रिलैक्सेशन फॉर टैक्स इनवॉइस. तो अब देखो यहाँ पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. ये गवर्नमेंट पता नहीं करना क्या चाह रही है. अब सपोज किसी ने मॉल पे में प्रॉपर्टी ली हुई है रेंट पे तो रेंट का आपका एग्रीमेंट एंटर हुआ है विद द मॉल एंड यू आर पेइंग द रेंट. वो बेसिकली द लैंडलॉर्ड इज रेजिंग द इनवॉइस एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड विद द टेनेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हेन एवरीथिंग इज इन लॉकडाउन यू हैव नॉट एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर रेजिंग द टैक्स इनवॉइस. मीनिंग देयर बाय चाहे वो जो टेनेंट है वो पैसे दे रहा है नहीं दे रहा चाहे उसका ऑफिस बंद पड़ा है जो लैंडलॉर्ड है लैंडलॉर्ड विल रेज द इनवॉइस एंड विल पे द टैक्सेस. तो आई थिंक अगेन इट इज ए हार्डशिप एंड दे शुड हैव प्रोवाइडेड सम रिलैक्सेशन इन दिस केस ऑल्सो बिकॉज वी हैव सीन इन द अर्लियर फर्स्ट वेव ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक वेन देर वॉज ए लॉकडाउन फॉर 3-4 months. So there was lot of hardship which has been faced by the tenant as well as the landlords because of this provision, because they were just raising the invoice, the tenant were not able to pay to the landlord the value as well as the tax amount. But
the landlord were forced to make the payment of GST. So I think it is very harsh provision. They should have provided some relaxation in these cases also. Then section 37, furnishing details of outward supplies. Again, I think they have excluded this from here because they have issued a separate notification. Then they said section 39. Section 39 pe relaxation applicable nahi hai. Sorry. Section 39 pe relaxation applicable nahi hai. Except subsection 3, 4 and 5. So, main agar 3, 4 and 5 ki baat karun, to 3 mera basically 3, subsection 3 mera deal karta hai with NRTP, non-resident taxable person. और जो फोर है वो मेरा बात कर रहा है GSTR 6 ISG की रिटर्न के लिए और जो फाइव है वो बात करता है GSTR 7 TDS की रिटर्न के लिए. तो मीनिंग देयर बाय जो मेरे सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल होती हैं उस पे ही मेरी रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होती, दैट इज GSTR 3B. मीनिंग देयर बाय दे हैव इशूड अ सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर GSTR 3B बट एट द सेम टाइम दे हैव प्रोवाइडेड सर्टेन एक्सक्लूजन इन दिस क्लॉज. तो जो ये एक्सक्लूजन में है उस पे ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगी. तो ये मैं अभी बाद में अपनी स्लाइड में डिस्कस भी करूंगा आपसे. देन लेवी ऑफ लेट फी, तो ये अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन ला रहे हैं तो उन्होंने यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दिया. देन इंटरेस्ट, अगेन सेम लॉजिक. देन इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, तो बेसिकली ईवे बिल के प्रोविजन भी इन्होंने कोई रिलैक्स नहीं करे. Then power to arrest, liabilities of a partner firm to pay tax, penalty, then detention, search, seizure, release of goods. So all these provisions are applicable and the relaxation given in this notification shall not be applicable to these provisions. So again, kuch relaxation unhone aur bhi di thi related to GST registration. तो आई डोंट नो, ये इन्होंने पहले दी थी 1 मई 2021 को. आई डोंट नो जो जीएसटी काउंसिल के जो प्रेस रिलीज है उसमें इसका इन्होंने बताया नहीं है कि इसको एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे. तो आई डोंट नो वेदर दिस रिलैक्सेशन विल बी एक्सटेंडेड और नॉट. तो देर वॉज सम रिलैक्सेशन रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अर्लियर नोटिफिकेशन विच सेज वेयर द टाइम लिमिट फॉर एनी एक्शन बाय अथॉरिटीज और एनी पर्सन रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ नोटिस इन फॉर्म REG 03 और रिजेक्शन ऑर्डर इन REG 05 और ग्रांट और रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 06 फॉल्स बिटवीन 1 मई टू 31 मई दिस सेट डेट स्टैंड एक्सटेंडेड टू 15 जून. देन द अनदर रिलैक्सेशन वाज वेयर SCN ऑफ ए रिफंड हैज बीन इशूड एंड द डेट ऑफ रिप्लाई टू द सेम फॉल्स बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 मई. Then the department can issue the refund order within 15 days from the date of reply or 31st May, whichever is later. So, sir, अगर मैं इसी notification number 14 को interpret करूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने कुछ exclusion दे दिए कि जिसमें ये relaxation applicable नहीं है, तो उस exclusion में भी इन्होंने exclusion दिया था कि जिसपे ये applicable होगी. तो हम देखते हैं TDS पे ये नोटिफिकेशन फुली एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड कि वो जो TDS रिटर्न का पीरियड है वो उस ड्यूरेशन में फॉल करना चाहिए. मीनिंग देयर बाय 15 अप्रैल 2021 टू 29 जून 2021. तो अगर उसमें वो फॉल कर रहा है तो ड्यू डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021. तो अगर मैं देखूं TDS return of April needs to be filed on 10th May. So it is falling between that period. So the date is extended to 30th June. Similarly ISD, अगर मैं April की return देखूं, the due date is 13th May. So again it is falling between that period. So due date will be 30th June. So similarly in case of e-commerce एंड NRTP also, because अगर मैं NRTP के केस में देखूँ जिसमें GSTR 5 जाता है for the month of March, the due date is 20th April. So it is also falling in that period. So due date will be 30th June. So similarly in other cases also, OIDR also, so the date has been consequently extended. So this is basically the chart which I have prepared ki कौन कौन सी रिटर्न्स इसमें फॉल हो सकती हैं और कौन कौन से मंथ की हो सकती हैं. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द चार्ट एंड सी
कि अगर आपका कोई केस इसमें फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन टेक द बेनिफिट. नाउ लेट अस कम टू द रिलैक्सेशंस. What relaxation has been given in GST rates and exemptions? The first is assumption on imports of COVID relief items. Meaning thereby, अगर आप कोई भी COVID relief item import कर रहे हो तो उस केस में क्या exemption या relaxation government ने दी है. तो जो मैं बेसिकली कल GST council meeting में जो उन्होंने press release में दिया उसकी बात करूंगा. तो उसमें उन्होंने कहा है दी इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड कोविड 19 रिलेटेड ड्रग्स रिलेटेड गुड्स बेसिकली विच विल इंक्लूड द मेडिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट सर्टेन डायग्नोस्टिक मार्कर्स टेस्ट किट एंड कोविड 19 वैक्सीन हैव बीन रिकमेंडेड फॉर फुल एजम्पशन फ्रॉम IGST इवन इफ इम्पोर्टेड ऑन पेमेंट बेसिस फॉर डोनेटिंग टू द गवर्नमेंट और ऑन रिकमेंडेशन स्टेट अथॉरिटी टू एनी रिलीफ एजेंसी. मीनिंग देयर बाय अगर आप कोविड 19 रिलेटेड गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन ऑफ IGST इवन इफ यू आर इंपोर्टिंग दोज गुड्स ऑन पेमेंट बेसिस. जो कि पहले क्या था जो उन्होंने एग्जम्पशन दी थी वो तब दी थी व्हेन यू आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड द बेनिफिट even to the cases even if you are importing the goods on payment basis for donating to the government or on recommendation state authority to any relief agency. So yahan par jo ek cheez note karne wali baat hai ya to aap government ko donate karne ke liye la rahe ho ya agar aap kisi relief agency ko donate karne ke liye la rahe hain NGO ko donate karne ke liye la rahe hain to in that case you should have the recommendation from the state authority. So it is not like that ki you just import the goods and donate it to any relief agency. So in that case you will be requiring the recommendation from the state authority and this assumption shall be applicable up to 31st August 2021 and these goods are already exempt from the basic custom duty. Further, as we know, the black fungus cases are rising. So definitely, the medicine which is used to cure this disease has also been exempted from IGST up to 31st August 2021. Now, as regard the individual items, they say it was decided to constitute a group of ministers to go into the need for further relief to COVID-19 related individual items immediately and the group of ministers shall give its report by 8 June 2021. Meaning thereby, जो मेरे GST rates हैं, चाहे वो वैक्सीन पे है या वो कंसेंट्रेटर पे है या जो भी मेरा COVID-19 से related medicines हैं या जो भी मेरा material है उस पर जो GST rate मेरे क्या होने चाहिए. तो this was one of the agenda in the GST council meeting. तो इस मीटिंग में भी दे वर नॉट एबल टू अराइव एट द कंसेंसस कि वेदर दे शुड गिव सम रिलैक्सेशन और नॉट. तो बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रीच टू ए कंक्लूजन दे हैव रेफर दिस इशू टू द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शैल सबमिट द रिपोर्ट विद इन 10 days अप टू 8 June 2021 एंड आफ्टर दैट द GST काउंसिल शैल टेक द फाइनल कॉल कि वेदर सम रिलीफ in this case is to be provided or not. So sir, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कितना स्लो काम कर रही है कि भाई पहले ही जो है इतना पीरियड निकल चुका है एंड अगेन दे आर थिंकिंग कि भैया पहले जो है रेट कम करना है नहीं करना, पहले हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट देगा फिर हम उस पर दोबारा बैठेंगे फिर मे बी GST काउंसिल मीटिंग करेंगे फिर देन वील टेक द फाइनल कॉल. आई डोंट नो वाई दे कैन टेक द प्रोएक्टिव एक्शन एंड वाई दिस एनालिसिस वॉज नॉट डन अर्लियर. And now they are referring to the group of minister. I think this is more of a delaying tactic. Then they have also reduced the GST rate on tablets, DEC tablet from 12% to 5%, which is also used to cure some of the pandemic. Then they have also issued certain clarification and clarificatory amendment in the press release.
तो पहली चीज जो मैंने इसको जब मैंने पढ़ा इसमें जो है दे हैव नॉट सेट अमेंडमेंट जो इनके प्रेस रिलीज है दे हैव यूज अ वर्ड बेसिकली दे हैव यूज अ वर्ड सर्टेन क्लैरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट मीनिंग देयर बाय कि व्हेन देयर क्लैरिफिकेशन तो दीज वर ऑलरेडी देयर इन द लॉ मतलब कि अब ये नहीं है कि ये उस दिन से आएंगे जिस दिन जो है ये इसकी जो है नोटिफिकेशन आएगी या सर्कुलर आएगा आई थिंक सर्कुलर ही आना चाहिए बिकॉज इट इज अ क्लेरिफिकेशन एंड इट इज नॉट एन अमेंडमेंट तो दे हैव इशूड द क्लेरिफिकेशन एंड जो उन्होंने कहा पहला तो ये लिवेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑन रिपेयर वैल्यू ऑफ गुड्स री इम्पोर्टेड आफ्टर रिपेयर मीनिंग देयर बाय आपने कोई गुड्स जो है बाहर भेजा फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर तो जब वो गुड्स वापिस आते हैं तो उन उस पर किस रेट से आईजीएसटी लगना चाहिए तो उसमें जो है जो गुड्स की वैल्यू है गुड्स की वैल्यू प्लस रिपेयर चार्जेस पे लगना चाहिए या खाली रिपेयर चार्जेस पे लगना चाहिए तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि रिपेयर वैल्यू ऑफ गुड्स पे ही आईजीएसटी लगना चाहिए द अनदर क्लैरिफिकेशन दे सेड जीएसटी रेट ऑफ 12% टू अप्लाई ऑन पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स टू अप्लाई इवन इफ दीज गुड्स आर सोल्ड सेपरेटली तो बेसिकली इन्होंने कह दिया जो स्प्रिंकलर्स के पार्ट्स हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के पार्ट हैं उस पर भी 12% का ही जीएसटी लगेगा चाहे ये गुड्स अलग से आप बेच रहे हो नाउ देर आर सर्टेन क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर अगेन आई विल से दे आर यूजिंग द वर्ड क्लेरिफिकेशन तो मतलब दीज थिंग्स वर ऑलरेडी देयर इन द लॉ व्हेन दी लॉ वाज व्हेन दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड तो फर्स्ट इज क्लेरिफिकेशन ऑन सप्लाई फूड सप्लाइड अंडर एमडीएम स्कीम मिड डे मील स्कीम बेसिकली तो इसमें उन्होंने कहा सर्विसेज सप्लाई टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी विच प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन ऑल्सो बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिड डे मील्स अंडर एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट इज एग्जाम फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी इरिस्पेक्टिव फंडिंग ऑफ सच सप्लाईज फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स और कॉर्पोरेट डोनेशन तो ये जो मैंने देखा ये जब मैं गया इसके एंट्री नंबर 66 है ऑफ द अजम्पशन नोटिफिकेशन तो मैंने देखा कि पहले यह क्लॉज था एग्जैक्टली यही क्लॉज था उसमें बट दे हैव नॉट रिटन द वर्ड इरिस्पेक्टिव फंडिंग ऑफ सच सप्लाईज फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स और कॉर्पोरेट डोनेशंस तो मे बी देर मे बी वन इंटरप्रिटेशन विच वॉज कमिंग देयर कि अगर आपकी जो स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट देन ओनली इट इज एग्जम्प्ट बट आई थिंक दिस क्लेरिफिकेशन वॉज ऑल्सो देयर आई डोंट नो वाई दे आर क्लेरिफाइंग अगेन बिकॉज इन माई व्यू इट वॉज ऑल्सो कवर्ड अर्लियर देन क्लेरिफिकेशन ऑन सर्विसेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो इसमें कहा दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेयर फीस इज चार्ज फॉर सच एग्जामिनेशन बाय नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन और सिमिलर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस रिलेटिंग देयर टू आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी मीनिंग देयर बाय अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कोई दूसरा एग्जामिनेशन हो बाय नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन और सिमिलर सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दैट शैल बी एग्जम्प्टेड देयर इज वन क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर विच यू आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इन द नोटिफिकेशन दे आर सेइंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एट द डेवलपर प्रमोटर will be paying GST on apartment provided to landowners at the time of issuance of completion certificate. Meaning thereby, जब हमारा agreement होता है basically sharing agreement में जिसमें जो है जो लैंड ओनर होता है वो अपनी लैंड जो है developer promoter को देता है और developer promoter in turn जो लैंड ओनर है उसको जो है कुछ flats वापिस देता है तो उसमें ये था कि जो है जो डेवलपर प्रमोटर होगा विल बी पेइंग द जीएसटी ऑन अपार्टमेंट प्रोवाइडेड लैंड ओनर एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है तब वो उस पर जीएसटी देता है बेसिकली जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है वो उस पर जीएसटी देता है
So however, the landowner was not able to utilize the complete ITC as most of his consideration for subsequent sale of apartment were received before issuance of completion certificate. तो जो लैंड ओनर था उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाता था, जो कि जब वो जीएसटी दे रहा है डेवलपर प्रमोटर एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो जो जीएसटी उसने देना था लैंड ओनर ने वो लैंड ओनर ने वो ऑलरेडी दे चुका है, तो और वो अब जो कंसिडरेशन आएगी उस पर उसको जीएसटी देना नहीं है. तो डेफिनेटली द लैंड ओनर वॉज नॉट एबल टू यूटिलाइज द आईटीसी वो GST which has been charged by the developer promoter. So to remove this situation and to correct the anomaly, they said it is proposed that the appropriate changes will be made in the relevant provisions to provide an explicit provision for utilization of ITC by landowners. This will enable them to utilize such ITC for subsequent sale of flats on which GST is payable. At the same time, the developer promoter will be allowed to pay GST any time before or at the time of issuance of completion certificate. So, abhi kya hai? So, the promoter developer is liable to pay GST at the time of issuance of completion certificate. Now, they are trying to say ki he can also pay the GST earlier. The another clarification is related to milling of wheat. Bar paddy. So supply of service by way of milling of wheat or paddy into flour, rice to government or local authority for distribution of such flour or rice under public distribution system is exempt from GST if the value of goods in such composite supply does not exceed 25%. Meaning thereby कि अगर आप कोई milling of wheat या paddy of rice की service आप दे रहे हैं to the government for distribution under PDS, so that service will be exempt provided the value of goods in the composite supply does not exceed 25%. So isme ek advance ruling bhi aayi thi abhi kuch time pehle, I think usko ye clarify karne ke liye inhone clarification dal rahe hain. Usme basically kya tha ki government jo hai goods jo hai miller ko deti thi to carry out certain processes, to miller us pe jo hai process karta tha aur usko jo hai गनी बैग्स में या जो उसकी पैकिंग जो है वो जो है प्रोसेसर करता था, जो उसकी जो बेसिकली जो पैकिंग मटेरियल था डेट बिलोंग टू द मिलर. तो नाउ द क्वेश्चन अरोज कि भाई ये जो मिलर जो है जो अपना पैकिंग मटेरियल यूज कर रहा है और जो है ये सर्विस दे रहा है, तो ये एग्जम्प्ट होगी नहीं होगी, जो कि इसमें जो है बेसिकली वो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है पैकिंग मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है. तो उसमें ये हेल्ड हुआ था बिकॉज इट इज कंपोजिट सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ गुड डज नॉट एक्सीड 25%, तो it should fall under this exemption. Then the another clarification is related to annuity payments. So isme inhone kaha hai GST is payable on annuity payment received as deferred payment for construction of road. Agar aapke koi bhi annuity payment aa rahi hai which is deferred payment for construction of road, then in that case GST is payable. The benefit of assumption is for such annuities which are paid for the service by way access to a road or bridge. Then there are other exemption clarifications. Jaise ki unhone kaha ki services supplied to a government entity by way of construction of a roadway shall attract GST at the rate of 18%. The another clarification they have given with respect to guarantee in respect of loans. Aur usme unhone kaha services supplied by government to its undertaking or PSU by way of guaranteeing of loans taken by such entity from banks and financial institutions exempt from GST. The another clarification and amendment they are saying to extend the same dispensation as provided to MRO, basically maintenance, repair and overhauling services of aviation sector. So basically, agar hum presently dekhen rate structure. तो जो मेंटे एमआरओ सर्विसेज हैं ऑफ एविएशन सेक्टर, दोज आर लायबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, बट एमआरओ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड वेसल्स आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड द गवर्नमेंट सेड द जीएसटी ऑन एमआरओ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड वेसल्स शैल बी रिड्यूस टू 5% फ्रॉम 18%, एंड द प्लेस ऑफ
supply of B2B supply of MRO services in respect of ship and vessel would be location of recipient of service. Now, I have completed the compliance matter. Now, let us see the other initiative of the 43rd GST Council meeting. Another is extension of amnesty scheme in filing GSTR 3B. So, अभी जो recommendation दिए हैं GST Council ने, उसमें ये भी कहा है कि ये amnesty scheme लाएंगे for filing GSTR 3B. क्योंकि मैंने काफी केसेस में देखा कि जो है जो कई लोग जो है रिटर्न फाइल भी करना चाहते हैं जिन्होंने काफी टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी है बट दे वर नॉट एबल टू फाइल द रिटर्न बिकॉज उनकी लेट फीस ही इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो कहते थे यार इतनी लेट फीस तो हम नहीं दे पाएंगे तो इट्स बेटर नॉट टू फाइल इट. तो नाउ द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम इन केस ऑफ जीएसटीआर 3B. तो पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये स्कीम खाली जीएसटीआर 3B में एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीएसटीआर 1. तो पहले जो है ये गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी विच इज 55/2020 डेटेड 24 जून 2020. इसमें उन्होंने कहा था कि फॉर द पीरियड जुलाई 2017 टू जनवरी 2020 अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हो बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st जुलाई 2020 टू 30th सितंबर 2020 तो उस केस में जो है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल, इफ टैक्स लायबिलिटी नॉट निल तो आपको 500 रुपीज जो है पर रिटर्न आपको लेट फीस देनी है और इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज निल तो आपको लेट फीस नहीं देनी. तो अगेन दे हैव अगेन कम आउट विद ए एमनेस्टी स्कीम और उन्होंने कहा कि अगर आप जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 की रिटर्न फाइल कर देते हैं बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st जून 2021 टू 31st August 2021. तो इन दैट केस इफ द टैक्स लायबिलिटी इन दैट रिटर्न इज नॉट निल तो द मैक्सिमम लेट फीस विल बी 1000 रुपीज एंड इफ द टैक्स लायबिलिटी इज निल इन दैट केस द मैक्सिमम लेट फीस शेल बी 500 रुपीज. मीनिंग देयर बाय जो उन्होंने मैक्सिमम लेट फीस है जो हमारी 10,000 होती है जनरली वो उन्होंने कैप कर दी कि भी अगर आपकी लायबिलिटी है उस रिटर्न में 1000 तो 1000 होगी और अगर आपकी लायबिलिटी उस रिटर्न में नहीं है तो इट शेल बी 500. तो सर इसमें जो अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था जो मैं अगर प्रोविजन देखूं जो अभी एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन वगैरह है उसमें कई जगह दे हैव यूज द वर्ड निल रिटर्न बट इन द प्रेस रिलीज दे हैव यूज द वर्ड इफ द टैक्स लायबिलिटी इज निल और इफ द टैक्स लायबिलिटी इज नॉट निल. तो आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द निल रिटर्न and the tax liability is nil or tax liability is not nil. Reason being, maybe आपका GSTR 3B में outward liability नहीं है, आपकी exempted turnover है या कोई tax payable नहीं है, but you may have claimed the ITC. So whether it is definitely it is not a nil return, but if tax liability is nil, so I don't know because it is not a nil return. So so the 1000 rupees. पेनल्टी विल अप्लाई बट टैक्स लाइबिलिटी इज देन तो 500 रुपीज विल अप्लाई. तो आई थिंक लेट अस वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन कि वेदर दे यूज द वर्ड निल रिटर्न और टैक्स लाइबिलिटी इज देन. तो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस द टैक्स लाइबिलिटी इज ग्रॉस लाइबिलिटी और नेट लाइबिलिटी. तो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड व्हेन द एग्जैक्ट नोटिफिकेशन विल बी इशूड. Then they also propose to rationalize some of the provision for late fee under section 47 and these provision will be applicable from the for the prospective tax periods. So agar main abhi baat karun to jo late fees hai under section 47 uski capping bahut high hai jo ki wo 10,000 tak jati hai aur meri अगर मैंने रिटर्न काफी टाइम से फाइल नहीं करी तो हर एक रिटर्न की 10,000 तक जो है वो मेरी लेट फीस जा सकती है एंड इट बिकम्स ए वेरी हाई एट द एंड ऑफ द डे. तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वेयर इन दे हैव ट्राई टू रिड्यूस द कैपिंग ऑफ द मैक्सिमम लेट फीस विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द
टैक्स पेयर, तो उन्होंने जो कैपिंग है बेसिकली उसने उन्होंने उस कैपिंग को कम करा है 10,000 से। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो अगेन उन्होंने टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। उन्होंने कहा इफ टैक्स पेयर हैव निल टैक्स लायबिलिटी और निल आउटवर्ड सप्लाईज, कि भाई उसकी निल टैक्स लायबिलिटी है या निल आउटवर्ड सप्लाई है, तो एक केस तो ये है। फिर उन्होंने कहा अदर टैक्स पेयर बेस्ड ऑन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो और टैक्स पेयर्स का उन्होंने बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर उन्होंने बता दिया, तीन कैटेगरी बना दी 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से ऊपर बट अप टू 5 करोड़ और अबव 5 करोड़। तो बेसिकली अगर मैं पहला केस देखूं तो पहला केस ये है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है या निल आउटवर्ड सप्लाई है तो दे हैव कैप द लेट फीस अप टू 500 रुपीज, मीनिंग देयर बाय जो अभी 10,000 होती हैं कि अप टू 10,000 रुपीज तक मैक्सिमम कैपिंग है अभी, वो उन्होंने कैपिंग को कम करके इस केस में 500 रुपीज कर दिया है। और अगर मैं दूसरे केस में देखूं जहां पर मेरी जो है निल टैक्स लायबिलिटी नहीं है या मेरी कुछ आउटवर्ड सप्लाईज भी हैं, तो उस केस में उन्होंने टर्नओवर बेस्ड क्रिटेरिया बनाया है और ये कहते हैं अप टू INR 1.5 करोड़, अगर मेरी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो मेरी जो मैक्सिमम कैपिंग होगी वो 1,000, और अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो वो कैपिंग है मेरी 5,000, और अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो मेरी कैपिंग 10,000 है। तो इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन देखूं तो इन सेक्शन 47 जो मेरा लेट फीस है वो मेरी 50 है, अगर मेरा उसमें इफ इट इज नॉट ए निल रिटर्न देन इट इज 50 एंड इट इज 20 इफ इट इज ए निल रिटर्न, बट बोथ आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज। तो इन्होंने ये कैपिंग को बेसिकली दे हैव रिड्यूस द कैपिंग। देन इन केस ऑफ GSTR 4 अगेन they said if the taxpayer have nil tax liability then it is INR 500. I don't know ki ye GSTR 4 mein to tax liability hoti nahi hai, reason being it is an annual return for the composition taxable person, to wo to CMP 08 file karte hain, to yahan par ye kaun si liability ki baat kar rahe hain, matlab ki jo maine monthly dikhai hai us liability ko main add karun to उसमें यानी मंथली रिटर्न में वो क्वार्टरली रिटर्न में मेरी लायबिलिटी होनी चाहिए तो उस केस में आएगा। आई थिंक दैट कैन बी द इंटरप्रिटेशन, इफ द टैक्सपेयर हैव निल टैक्स लायबिलिटी देन इट इज 500, अदर टैक्सपेयर रुपीज 2000। देन केस ऑफ GSTR 7, तो GSTR 7 बेसिकली TDS की रिटर्न है, तो इसमें भी क्या था, इसमें बेसिकली जो है इन्होंने जो लेट फीस है काफी रिटर्न में इन्होंने कम कर दी थी, लेकिन GSTR 7 इनसे छूट गया था। तो GSTR 7 में अभी भी जो रिटर्न की जो लेट फाइलिंग फीस थी वो 100 पर डे थी, तो वो 200 पर डे हो जाती थी बेसिकली दोनों CGST और SGST को मिला के सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। तो इसमें इन्होंने जो है पर डे लेट फीस कम करी, तो इन्होंने कहा अब GSTR 7 के केस में दी लेट फीस विल बी 50 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2000। देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है अभी जब इनका फाइनेंस एक्ट 2021 आया था तो उन्होंने जो है कुछ अमेंडमेंट करी थी सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट में, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो GST ऑडिट है दी कंपनीज विल नॉट बी रिक्वायर टू गेट द GST ऑडिट डन। बट अभी भी क्या था कि उन्होंने प्रोविजन तो एक्ट में डाल दिया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, बट दैट प्रोविजन वाज नॉट नोटिफाइड टिल डेट। तो एक एक्सपेक्टेशन ये बन रही थी हर एक के माइंड में कि जो कि ये प्रोविजन नोटिफाई नहीं हुआ है और पता नहीं कब नोटिफाई होगा, तो ये जो ऑडिट है फाइनेंशियल ईयर 2021 का वो तो एटलीस्ट ये कर ही लेंगे। तो लेकिन आई थिंक इस पेंडेमिक टाइम में गवर्नमेंट को CS की खुशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं है तो उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, तो जो ये सेक्शन है वो हम एप्लीकेबल कर देंगे एंड द GST ऑडिट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो सर इम्पैक्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज दैट कि अब हमें ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 2021 का भी ऑडिट हमारे हाथ से जा चुका है।
तो अब इन्होंने कहा जी इसमें चित्रेश जी मैं थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें ऑडिट जाने की बात तो डेफिनेटली है ही एज अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिफाइबल डेटा निकाल करके कुछ फर्दर रिप्रेजेंटेशंस देनी चाहिए नॉट ओनली टू द जीएसटी काउंसिल बट ऑल्सो टू द स्टेट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ देयर डेटा असिमिलेशन द क्वालिटी ऑफ द डेटा दैट दे असिमिलेट इन फॉर्म ऑफ द रिटर्न्स एंड एनुअल रिटर्न्स वो कैसे डिटेरियोरेट होंगी इफ ऑडिट और द रिकंसिलिएशन इज रिमूव्ड. ये एक मेरे को लगता है कि इस बारे में सबको थोड़ा सा एक विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा ही ठीक नहीं होगा तो उससे आउटपुट जो भी निकालोगे आप वो काफी गड़बड़ आएगा. सर मैं बिल्कुल आपकी बात से राजी हूँ. जब ये इनिशियली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के एजेंडा में गया था, मैंने उस मीटिंग के मिनट्स भी पढ़े कि उन्होंने क्या लॉजिक लिया. तो उन्होंने ये लॉजिक दिया कि जो जीएसटीएन 9 में जो रेवेन्यू कलेक्शन है इट इज मच मोर देन जीएसटीएन 9C. और जो तो मतलब कि 9C से कोई रेवेन्यू हमें आ नहीं रहा, जो है 9 में ही आ रहा है. लेकिन वहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि जो 9 है वो भी सीए ही करवा रहा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है कंपनी को फेवर करके हम क्या करते हैं कि भाई उसकी जो जीएसटी 9 में ही एडजस्टमेंट करा देते हैं विच इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द टैक्स पेयर. हम उसको ऑडिट रिपोर्ट में डालते ही नहीं. जब उन्हें करेक्ट कर दिया तो हमने डाला नहीं, तो गवर्नमेंट के नोटिस में आया नहीं. एंड मे बी द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द सी इंस्टीट्यूट आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दिस प्रॉपरली. मे बी एडवोकेट्स आर हैविंग मोर लॉबी. तो I think that may be the reason, but now it is enacted, so I think it will be difficult to get it rolled back. मेरे को इसमें आपने जो explanation दी वो ठीक है, बल्कि उसमें भी है जब हमने वो एक representation भी submit करी थी government को, at that time the points that came was not only that 9C से ज़्यादा 9 में pay हो जाता tax. बल्कि देयर वाज आल्सो अ फीलिंग कि जब कोई कमी रह जाती है तो वो रिटर्न्स में ही करवा देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. करेक्ट. तो मेरे को नहीं लगता कि दिस डिसीजन हैज रियली बीन इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज़ ऑफ सम लॉबीज और समथिंग. इट इज जस्ट अ जेन्युइन मिस इन्फॉर्मेशन. अब वो मिस इन्फॉर्मेशन क्यों हुई उसके कारणों में मैं नहीं जा रहा, बट डेफिनेटली जैसा आपने बोला इसमें एनालिसिस में तो गलती है. तो आई थिंक सब प्रोफेशनल्स को इस बारे में थोड़ा विचार करके कुछ एक अच्छा रिसर्च पेपर बना के गवर्नमेंट को अगर हम लोग दे पाए इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए. सर इसमें अभी हुआ था एक चीज और भी, जो हमने जो 1920 के ऑडिट करे थे तो अभी क्या ऑडिट में यूडीएन की रिक्वायरमेंट है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो उसमें जब हम यूडीएन जनरेट करते थे तो वो हमसे पूछता था कि भाई आपने लाइबिलिटी डिटरमाइन करी नहीं करी, किसमें करी, कितनी करी. तो आई थिंक दैट मे बी द लॉजिक की सी एस टूट ने वो इसलिए मांग रहे थे कि भाई दे मे बी ट्राइंग टू कंपाइल द डेटा कि सीए ने कितनी लायबिलिटी निकाली है. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि इट कैन बी द अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर द सीएस. क्योंकि देखिए इफ आई टॉक अबाउट द बिग क्लाइंट्स, देखिए जो बड़े क्लाइंट हैं अगर आप देखें व्हाट हैज गॉन, ओनली सर्टिफिकेशन हैज गॉन, द वर्क हैज रिमेन द सेम. The company has to prepare the GSTR 9 as well as GSTR 9C. Only the difference is this signature of CA will not be attached. Instead of CA signature, the company's authorized personal signature will be attached. So whether anything has changed, in my view, no. So if you see from the large company's perspective, I think the large companies will go for the go for the audit. Whether they will be attaching their own signature, but they will get the audit done because they don't want to face the music at a later date. Reason being, as Puniji has rightly pointed out, ki kafi cheeze hain jo CAs jo hai already return mein correct kara dete hain, reconciliation kara dete hain, virtually CAs hi banwate hain, CAs hi help karte hain unki. To unke paas itni basically equipped manpower hi nahi hai ki wo bana paaye. So I think काफी केसेस में तो ये काम कंटिन्यू रहेगा, बट डेफिनेटली कुछ केसेस में इसका इंपैक्ट भी आएगा. तो सर
जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ GSTN 9C है दैट नीड्स टू बी फाइल्ड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 crore. देन दे हैव मेड द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑप्शनल इन केस ऑफ टैक्स पेयर हु आर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 crore. नाउ लेट अस सी अदर रिकमेंडेशन. तो पहले एक बहुत बड़ा डिबेट था कि जो मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा वो नेट कैश लाइबिलिटी पे होगा या ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे होगा बिफोर एडजस्टिंग ITC. तो इस बारे में जो है मेरी सेक्शन 50 में अमेंडमेंट भी आई थी बट दैट अमेंडमेंट वॉज नॉट नोटिफाइड. तो नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड कि लेट अस नोटिफाई दैट अमेंडमेंट एट द अर्लीस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2017. So I think this is a welcome step. So I think there should not be any issue in that. The another thing which they have stated, they are saying proposed amendment in certain provision of the act so as to make the present system of GSTR 1 and 3B return filing as default system, default return filing system. So थोड़ा तो मुझे भी confusion हुआ इसमें. Basically what they were saying कि जो present system है GSTR 1 का और 3B का उसको हम डिफॉल्ट रिटर्न सिस्टम बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट लाएंगे. तो उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन टू माय माइंड पुनीत जी कैन ऐड इनटू इट एंड सम अदर स्पीकर कैन ऐड. मेरे हिसाब से ये है कि जो डिफॉल्ट सिस्टम जो रिटर्न सिस्टम है मेरा एग्जिस्टिंग अगर मैं लॉ में देखूं तो मेरा GSTR 1 का है या मेरी जो पुरानी रिटर्न थी GSTR 2 जो अभी ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुई लेकिन प्रोविजंस आर देयर इन द लॉ या मेरी GSTR 3 है जिसके प्रोविजन लॉ में तो है बट दोज हैज नॉट बीन इन्फोर्स टिल डेट. तो इन माय व्यू इफ आई टॉक अबाउट द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम तो इट विल बी माय GSTR 1 2 एंड 3. तो मे बी दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सम अमेंडमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ द GST लॉ सो दैट दे कैन मेक द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज GSTR 1 एंड 3B. मे बी डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट व्यूज because I am not able to understand what they are trying to say in this. So I have completed the recommendation of the GST Council. Now I am moving to the another agenda, which is a critical analysis of the SC order on extension of limitation period. तो सर अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करूं, वी हैव 3 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स. फर्स्ट इज ऑर्डर डेटेड 23rd March 2020 इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द सुमोटो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड. दे हैव टेकन द सुमोटो कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड. देन वी हैव अनदर ऑर्डर डेटेड 8th March 2021 वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड द अर्लियर ऑर्डर ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंशन एंड इश्यूड सर्टेन directions. Then we have another order dated 27th April 2021 wherein again keeping the current situation in mind the Supreme Court has taken the cognizance of the extension of limitation period. So sir before discussing ek bar thoda thoda tha judgment discuss kar lete hain ki usme kya kya Supreme Court ne kaha so that we can appreciate the discussion. सर जो 23rd March 2020 का ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा दिस कोर्ट हैज टेकन सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 वायरस एंड रिजल्टेंट डिफिकल्टी दैट मे बी फेस्ड बाय लिटिगेंट. तो दे हैव यूज द वर्ड लिटिगेंट अक्रॉस द कंट्री इन फाइलिंग देयर पेटिशंस एप्लीकेशंस सूट्स अपील्स एंड ऑल अदर प्रोसीडिंग विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर द जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन or under special laws, meaning thereby CGST Act is also covered. GST law is also covered under the special laws. So, उन्होंने कहा कि to avoid such difficulties and to ensure that lawyers and litigants do not have to come physically to file such proceeding in respective courts and tribunals, it is hereby ordered that period of limitation in such proceedings shall
shall be extended with effect from 15th March 2020 till further order. तो बेसिकली उन्होंने जो है इनडेफिनेटली पीरियड को एक्सटेंड कर दिया था विद इफेक्ट ऑन 15 मार्च 2020 टिल फर्दर ऑर्डर. तो बाद में उन्होंने एक और ऑर्डर पास करा जो 8 मार्च 2021 को उन्होंने पास करा और इसमें उन्होंने कहा द लॉकडाउन हैज बीन लिफ्टेड एंड द कंट्री इज रिटर्निंग टू नॉर्मेसी. ऑलमोस्ट ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर फंक्शनिंग आइदर फिजिकली और बाय वर्चुअल मोड. We are of the opinion that order dated 15-3-2020 has served its purpose and in view of the changing scenario relating to the pandemic, the extension of limitation should come to an end. So, उन्होंने limitation को lift कर दिया and they have given certain direction. So, I have not given the direction in the slides. So, you can go through those direction. तो फिर बाद में जब ये pandemic दोबारा से second wave आई तो again जो है Supreme Court के पास ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया कि ये दोबारा से पेंडेमिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड है उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए. तो जो इसका थर्ड ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कॉज्ड बाय सडन एंड सेकेंड आउटबर्स्ट ऑफ कोविड-19 वायरस दस रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स टू मिनिमाइज द हार्डशिप ऑफ लिटिगेंट public in all the states. So here the word they have used is litigant public in all the states. Phir inhone kaha we therefore restore the order dated 23rd March 2020. Matlab jo pehla order tha unhone restore kar diya. And in continuation of the order dated 8th March, jo ki humara second order hai, direct that the period or limitation as prescribed under any general or special law, special laws will include the GST laws here, in respect of all judicial or quasi-judicial proceeding, whether condonable or not, shall stand extended till further orders. Meaning thereby, जो भी मेरा जो limitation है जो चाहे मेरे जनरल लॉ में प्रिस्क्राइब है चाहे मेरे स्पेशल लॉ में प्रिस्क्राइब है इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिक्वेस्ट पुनीत जी टू थ्रो लाइट ऑन कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी कवर्ड इन दीज टू वर्ड्स. तो वी कैन डिस्कस इट कि क्या क्या इसमें कवर है जो कि आई थिंक मैनी थिंग्स डिपेंड्स ऑन दीज टू वर्ड्स. तो फिर उन्होंने ये कहते हुए कहा इट इज फर्दर क्लेरिफाइड एट द पीरियड फ्रॉम 14th March 2021 till further order shall also stand excluded in computing the period under any other law which prescribe period of limitation for instituting any proceeding and termination of proceedings. So basically उन्होंने जो period है वो extend कर दिया for all judicial and quasi judicial proceedings. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो तीन ये जो जजमेंट आई तो उसमें इशू ये हुआ कि देर वर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द मार्केट कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो किस केस में अप्लाई होगा किस केस में अप्लाई नहीं होगा. जैसे कि आपने देखा कि जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आई है कल भी उसमें भी जो उन्होंने रिलैक्सेशन की नोटिफिकेशन दी है उसमें भी नीचे एक उन्होंने लाइन डाल दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है पीरियड एक्सटेंड होता है तो दिस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल अप्लाई. तो इनफैक्ट आई थिंक the government is also not clear in which case the supreme court order will apply and which case the supreme court order will not apply. So definitely the different professionals can have the different opinion. So definitely the opinions are based on some logic. So let us I have also tried to analyze the order but definitely there are a lot of confusion. So in order to resolve some of the confusion I tried to find out some of the judgment and the other circulars which can have a bearing on the Supreme Court which have tried to interpret the judgment basically order of the Supreme Court. The first such case I find is Walchand Nagar Industries Limited. Ye bhi ek case aaya hai Andhra Pradesh High Court ka jisme kya hua tha ki जो कोविड का टाइम चल रहा था डिपार्टमेंट जो है बार बार पेटिशनर को नोटिस दिया जा रहा था कि भैया आप आके हमसे पर्सनली अपीयर हो और हमें रिप्लाई दें.
जो उनका केस चल रहा है, ये वैट का केस है बेसिकली. तो द पिटिशनर रिक्वेस्टेड फॉर अजम्पशन फ्रॉम द पर्सनल हियरिंग बिकॉज ऑफ द प्रीवेलेंट पेंडेमिक. तो पिटिशनर ने कहा कि जी पेंडेमिक चल रहा है, मैं पर्सनली अपेयर नहीं हो सकता. तो द पिटिशनर वॉज नॉट एबल टू सबमिट द डिटेल रिप्लाई ऑल्सो एज दे हैड नो अपॉर्चुनिटी टू कोऑर्डिनेट विद देयर ऑफिसेज विच आर सिचुएटेड इन अदर स्टेट एंड बिकॉज ऑफ प्रीवेलेंट पेंडेमिक 19 दे कुड नॉट फाइल रिप्लाई. मीनिंग देयर बाय वो रिप्लाई भी नहीं फाइल कर पा रहा था, जो कि वो मे बी मल्टी लोकेशन कंपनी होगी या क्या होगा, कि उनके ऑफिस अलग अलग थे और स्टाफ भी अलग अलग था. तो फाइल्स भी, जो कि ये केस पुराना था तो फाइल्स भी पुरानी थी. तो देवर नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड डेटा एट वन प्लेस टू फाइल द डिटेल्ड रिप्लाई. तो बट द डिपार्टमेंट हैज रिफ्यूज्ड ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ अडजॉइनमेंट एंड पास द ऑर्डर. तो डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं सुनी कि भी आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा, पेंडेमिक चल रहा है, पर्सनली नहीं आ सकते. डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं सुना और जो है उन्होंने एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर दिया. तो ये केस जब हाई कोर्ट के पास गया तो ये सारी सबमिशन उसमें रखी गई, ये फैक्ट्स हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करे. और हाई कोर्ट के आगे एक ये भी सिचुएशन रखी गई कि भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक सुम मोटो कॉग्निजेंस लिया है इन इट्स ऑर्डर एंड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए हाई कोर्ट ने हेल्ड करा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है तो डेट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन एवरीबडी, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. और जो असेसिंग ऑफिसर ने या जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास करा है उसको कोई हरी नहीं थी ऑर्डर को पास करने की, जब उसकी लिमिटेशन कोई एक्सपायर नहीं हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन ऑलरेडी दे रखा है. तो वाई डिपार्टमेंट वॉज इन हरी टू पास द एडजुडिकेशन ऑर्डर. तो उसने जो है बड़ी सीरियसली हाई कोर्ट ने लिया और इस मैटर को उन्होंने रिमांड बैक ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और इसको रिमांड बैक कर दिया टू द अथॉरिटी कंसर्न. तो दिस इज वन केस विच आई फाउंड. तो एज पर दिस केस वी कैन से दिस ऑर्डर इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द एडजुडिकेशन proceeding from the departmental side. Then if we see another source which I have found is the circular of Tamil Nadu commercial tax department regarding revocation of cancellation of registration. So is case mein bhi jo mera commercial tax department hai Tamil Nadu ka, unhone ek sumoto cognizance liya. तो सुमोटो कॉग्निजेंस में उन्होंने, उनके पास इशू क्या आ रहा था, उनके पास जितनी भी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो रिक्वेस्ट आई वो सारी उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि भाई ये टाइम बार है 30 दिन के बाद फाइल हुई है. नाउ द क्वेश्चन विच वाज अरोजन कि भाई ये तो 30 दिन के बाद तो फाइल हुई है, तो जो ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, क्या ये एक्सटेंशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, क्या ये इस केस में भी एप्लीकेबल होगा? दैट इज ऑल्सो एक सिचुएशन विच वी कैन ऑल्सो इनकाउंटर. तो इस केस में आई हैव जस्ट ट्राई टू टेक द रिलेवेंट पैरास फॉर ईज ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज 3-page सर्कुलर. तो इसमें इन्होंने कहा अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर शैल बी एप्लीकेबल for the taxpayers under the GST Act also, and therefore the proper officer defined under this act is bound to act in accordance with the direction issued in the above Supreme Court order. Meaning thereby, उन्होंने कह दिया सर्कुलर में, डिपार्टमेंट ने खुद भी, कि भाई इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे ऊपर बाइंडिंग है. और यहां पर इन्होंने डिफाइन भी करा कि क्वासी जुडिशियल क्या है. इन्होंने कहा यहां पर the proper officer, I think it is very important, the proper officer being quasi-judicial authority, meaning thereby जहां पर भी word proper officer used है GST law में, proper officer being quasi-judicial authority and deputy commissioner GST appeals, joint commissioner appeals, GST appeals being judicial authorities are also bound by the order of Supreme Court and hence for the purpose revoking the cancellation or registration under GST Act. The following instruction are issued. तो basically जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो उसका उन्होंने कॉग्निजेंस लिया इस सर्कुलर में और उन्होंने
अप्रोप्रिएटली जो लिमिटेशन है वो बढ़ा दी और उसका बेनिफिट इन्होंने एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन के केस में दिया है। तो अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो पुनीत जी कैन ऐड ऑन मी ऑन दिस कि पहला जो क्वेश्चन आया वो आया वेदर एससी जजमेंट विल अप्लाई टू फाइलिंग जीएसटीआर 1-3B एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। तो सर इन माय व्यू इट विल नॉट अप्लाई इन द रिटर्न फाइलिंग केस। तो जीएसटीआर 1-3B एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे रेस्क्यू के लिए नहीं आएगा। दिस सेकेंड थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 dated 1st May 2021 and SC judgment जो अभी उन्होंने रिमूव करी है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 देखें तो क्या गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन हमें वो रिलीफ दे दिया, कुछ रिलीफ दिया जो हमने अभी डिस्कस करा था, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मुझे कुछ और रिलीफ देता है। तो देर इज नो सिंक बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द SC जजमेंट। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा यही आ रहा था कि वेदर the government can issue the notification which is in contradiction of the SC judgment ya SC order, whether it cannot be content of court. So Puneet ji can say on this because I am not practicing as advocate. So basically first question which was coming to my mind is this, then when this point came to my mind now in the latest GST council press release usme unhone likh diya कि अगर कोई केस इसमें फॉल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एक्सटेंडेड पीरियड दिया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विट अप्लाई। अरे भैया आप ही क्लेरिफाई कर दो ना, नाउ यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टैक्स पेयर। यू विल अडॉप्ट द सिचुएशन कि कोई भी सिचुएशन आप अडॉप्ट कर लोगे कि ये फॉल करता है, ये नहीं होता, ये नहीं फॉल करता। आप क्लेरिफाई कर दो ना सर, आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है तो वो फॉलो कर लो, हमारे हिसाब से ये है। व्हाट इज दिस? आई थिंक इट इज वेरी इलॉजिकल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर रिक्वायर्ड टू गिव द सर्टेनिटी टू द टैक्सपेयर, नॉट टू क्रिएट द कंफ्यूजन। देन अनदर पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इज द लिबरल और कंजर्वेटिव व्यू। तो हम इस जजमेंट को पढ़ें तो हम इसका लिबरल व्यू लें या कंजर्वेटिव व्यू लें, बिकॉज द सिंगल ऑब्जेक्टिव is of mass benefit because जो pandemic है वो सबको impact कर रहा है and the I think the Supreme Court has issued the order to provide the mass benefit, not to restrict the benefit to a particular cases. So in my view the order can be applied in lot many other cases also, but definitely the different professionals are having different opinion. But like if we see there can be other situation, अगर हम practically file कर apply करें, जैसे appeals है जो मेरी CGST law में appeal होती है, the question में आ रहा है इसकी जो first appellate tribunal है उसमें ये judgment apply होगी नहीं होगी? In my view yes it will apply. फिर adjudication है, adjudication में ये judgment apply होगी नहीं होगी? Yes it will apply in adjudication. But sir हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये department भी use करेगा, जो कि मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट से फोन आए, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो ये हमें बताओ कि ये जो है ये हमारे पे एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा, जो कि दे वांट टू इशू द नोटिस अंडर सर्विस टैक्स एक्साइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी, जो कि ये नोटिफिकेशन जीएसटी में है जो उन्होंने रिलीफ दिया है, बट डिपार्टमेंट इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्विस टैक्स एंड एक्साइज मैटर्स ऑल्सो। So I think the judgment can apply in case of other cases. So I think I have done from my side. So thanks for the patient hearing. Now I over to Sunil ji. Thank you, Tripesh ji, for such a nice deliberation, and you have covered both the topic, all the topics simultaneously. The relief given by the government, existing relief given by the government, and in this GST council meeting, and now I will proceed to the panel discussion. I request the panelists, both the panelists, Rohit ji and Puneet ji. Yes, Sunil ji, what you want? Puneet ji, will you start, or I should?
सुनील जी टाइम है हमारे पास 10-15 मिनट का? हाँ सर टाइम तो है, अभी अभी 25:42 हुआ है, वी आर हैविंग 20 मिनट्स. आई थिंक दिस चित्रेश जी पॉइंटेड आउट सम पॉइंट्स फॉर बोथ द पैनलिस्ट, यू कैन टेक अप दैट आल्सो एंड देन वी कैन टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स. There are many issues, Sunil ji. You can take on your own also, sir. I think एक तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि first can be कि whether these three judgment can should be read together or should be read separately. So all these orders are merged into one. Second, जो कि क्या है, अगर हम शुरू के order से चलेंगे, they have used the word litigant. So if I am filing any refund application, so I may not be litigant, but definitely it is an application and proceeding. And if I see the third judgment, then they say ki judicial or quasi-judicial proceeding, which in my view is a very broad term, and lot many other things will get covered. So Puneet ji can, and Vaswani ji can give the view. Can I take some time? First of all, thanks to the BVSS team for organizing this seminar on GST in this pandemic era. In first lockdown also, we did many of the programs related to GST and other topics. And this is the second inning of the pandemic and lockdown also. And one of the issue which was being raised, and Puneet ji was asking for some of the affidavits submitted by the department, and during first lockdown also I was very keen on the issue, and I represented also, and in our representation also I discussed, although he may be remembering, there are certain industries, certain you know, business who have grown in pandemic nothing like that. And it is pharma industry, IT industry, essential commodities. इसको हटा दीजिए screen sharing को please. And many other sectors are there which have grown in a very good manner. And whenever there is a business is happening. My simple submission in the first lockdown was to everybody was there. Then when you are raising invoice, when you are doing business, when you are making collections, and why you want the relief for payment of taxes? And simply, if a small taxpayer, when there is a single man show, we say that a small taxpayer has one man show, he has to do all the you know, personal as well as business obligations. I'm not going in detail because during first lockdown this point was very extensively discussed by us, and in many seminars I have put forth this issue in many places. Because you know, once the huge amount of taxes are being collected and you want to say that we want to keep the taxes with our pocket and we want to earn the interest from that, we don't want to deposit the amount of the tax to the government, it doesn't sound good. Actually, what we want from the government is a relief, and many relief has been provided. I am not saying the relief are sufficient, certainly reliefs are not sufficient. And actually this is the, you know, bureaucracy, how the reliefs are being drafted, that is the main issue for me. It is not that the government don't want to give the relief, the how the reliefs are being drafted and how the punch lines are being put in between the notifications and the circular, that is the creating problem, and that is the real concern for all the business class. Secondly, there is a, you know, issues coming out for GST audit and GSTR 9 and 9C. And we had discussed this issue at the time of presentation of the budget also, after passing the budget becoming the act also. And it is very much clear that government has only changed one thing. The only thing is that the 9C will remain, reconciliation statement will remain, but only the part B will not be signed by the cost accountant or chartered accountant. It will be becoming the part of the annual return. It means GST 9 will remain and 9C both will remain, but the signing of the 9C from the professional will not be required. And they have gone a step further saying that this amendment will be applicable for the annual return for the financial year 2021 also, which the press release is giving the clue to us. It means even the budget has not been, the amendment has not been notified, and still these amendments are, you know, in the pipeline, the states have not passed,
but the government has shown is clarity on applicability of the amendment. And if you see the Finance Act 2021, there is nothing mentioned regarding these clauses that to which date it will be applicable. And when there is nothing mentioned regarding the applicability from a retrospective date, can it be notified retrospectively when the budget is passed without mentioning about the applicability with effect from a retrospective date? It should have been from the date to be notified, and date to be notified only after the assent of the Finance Act, that is Finance Act 2021. Let's see how this is going to happen. And today's discussion, what we are going, and I'm leaving many other topics, is regarding the Supreme Court order. And certainly it is a very, you know, big order, and we are facing the unprecedented situation of pandemic, and this order is also unprecedented. First of all, it is an order, it is not the judgment. And Article 141, 142 has been utilized by the Honorable Supreme Court, and it becomes the law of the land, and it has to be made applicable. But if you see the journey of the Supreme Court order from first order 23rd of March 2020 until this April order, third one order, in between there were 2-3 orders also, because initially when the other were going to become the party in this order, I was of the view that we should also become party with this petition, and we should also clarify issues related to GST from the Honorable Supreme Court itself. Chitresh ji was saying one thing, that why has department not clarified that in these provisions the order will prevail and in these provisions the notification will prevail. It is not possible at all. How can the order of Supreme Court be, you know, interpreted by the government of India? It is only the Supreme Court who is going to interpret the order, and not lower than the Supreme Court. And if it is a, you know, third judge bench, if something has to be said, done about this, you know, order, either the larger bench or the same bench will clarify the issues. And if anyone wants clarification, the writ is still alive. The 3/2020 writ is pending before the Honorable Supreme Court. Anyone can go and become the party to it and ask the Honorable Supreme Court to clarify the issue relating to the specific law or specific domain. Reason is that this order is very wide in its ambit. And even I cannot explain how wide the ambit is this. And in between the 1 year journey from 23rd of March 2020 till 27th of April 2021, the order has become more wide also. As some of the points has been mentioned by Chitresh ji also, that initially it was meant for litigants, and the word was written litigants. I wanted to show you two slides, but I don't think, Sunil ji, we have 5-10 minutes. Your time, we are having 5:50 right now. Are we 5:50? Where do you see? We can extend it up to 15-20 minutes. There is no problem. Yeah. Let us clear the issues. Yeah, no issue. Yeah, is it visible to you? Yeah, sir. Okay. Now what happened? This order suo motu writ petition 23rd of March, and now it is alive because it has been restored. And we had a order on 8th of March 2021, which is basically infructuous right now because the benefit has been extended, although it is also alive because the third order is in continuation of the 8th March order. And you know, this order which we are talking about now is the 27th of April 2021, and it seems to extended the scope of the order of 23rd March 2020. You know, as you see in 23rd March order, the petitions, applications, suit, appeal, and all other proceedings were covered. And it is basically the difficulties being faced by the litigants across the country. And one thing is clear, that this order is not meant for the department. This order is meant for the litigants.
to the public, to the, you know, stakeholders who are facing problem due to the COVID. Now, if you see both sides of the problem, if it is applicable for one side, there is a lot of issues which will come to the department also. If it is not applicable for department and there is a limitation under a specific law for the department, so whether the department should wait or department has to pass the order ex parte without waiting for the order of the Supreme Court. So this is the one issue. But if you see carefully the order dated 27th of April, it has extended the scope to a great extent. Now they are saying, earlier after first lockdown, my view was very much clear that this 3/20/20 is applicable for limitations which are related to the judicial proceedings, and it is not applicable for the GST in many of the cases. And in GST, moreover, the quasi-judicial proceedings are there, or the administrative limitations are there, like registration and amendment, etc. I will try to cover it up in a short time, so far as possible. But if you see the order dated 27th of April, it has changed the scenario altogether. Now they are saying the litigant dash public. So Supreme Court has also understood that it could be applicable for public at general, meaning thereby it is not only the litigation, it may be the all other beneficial provisions where the limitation has been provided. And also they have now used the word judicial or quasi-judicial proceedings. Earlier they have not used the word judicial proceedings. They were saying only proceeding, and I was of the view that they were referring to only the judicial proceedings. But now they have come to the quasi-judicial proceedings also. And without going much in this detail, let me see this, what are the judicial proceedings? If you see the section 2I of the CRPC code, judicial proceedings has been defined. And if I discuss this issue, it will take at least 1 hour, that what exactly the judicial proceedings are and what are the quasi-judicial proceedings, because there are lot many precedents and it is English law which we have to refer to explain it properly. Everything is not defined in the law, but in CRPC it says that judicial proceeding include any proceeding in the course of which evidence or may be legally taken on oath. In nutshell, the judicial proceedings are court proceedings generally. And even judicial proceeding including trial and inquiry, but it does not include investigation. This is not the definition, this is the crux line which I am putting here for the benefit of the discussion here, that investigations and anti-evasion exercise, search and seizure, detention of goods and all arrest, all these proceedings may not be benefited from this Supreme Court order being the judicial proceeding, but investigation part is not there. And Supreme Court is only talking about the limitation and investigation. If there is any limitation which is affecting the stakeholder or the party, then that Supreme Court order can be escaped for you. Otherwise, generally the normal proceeding by the action by the department, anti-evasion action by the department, may not be benefited from this Supreme Court order. I am giving you one example only. In Section 70, it is written that these summons, these inquiry shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of Section 193 and 228 of the IPC. And this 198 and 228 is regarding the taking the statement on oath and regarding creating disturbances during the proceeding by the officer. It means that all other proceedings of the GST law except the Section 70 proceedings are not judicial proceedings, they are quasi-judicial proceeding. And if we go for the quasi-judicial proceeding, only pinpoint I will give you here, it is similar but not exactly same as judicial proceeding. And quasi-judicial proceedings are basically, these authorities are not routinely responsible for holding such proceeding and often may have other duties also. Meaning thereby the proper officer or the GST officers are doing administrative proceedings on day-to-day basis, but
apart from doing the administrative proceedings, they are also doing the quasi-judicial proceeding. And what quasi-judicial proceedings are, in short, basically, those administrative functions are called or quasi-judicial when there is an obligation to assume a judicial approach and to comply with the basic requirement of natural justice. Whenever there is a requirement, whenever there is an adjudication, whenever there is a requirement that the officer should follow the principle of natural justice, it becomes the quasi-judicial proceedings. And if it becomes the quasi-judicial proceeding, the 27th April 2021 order of Honorable Supreme Court is now entering into the domain of the GST very extensively. And this is not end. I think the litigation has now started and it will go on keeping. Earlier also in the first lockdown, if someone was saying with me whether it is applicable for us, so I advised to become the party with the association. And I think GST part at least should become party to this, writ petition. Now see, this is the government notification. I'm not discussing at all. Only I'm saying that government has issued these two notification using section 168A, which was inserted by the 31st March ordinance, and later on it becomes the Act 35/2020 and 14/2021. And these both have the sunset clause. And if you see, these are the similar notification, and only I am giving the brief that this 35 notification has ended up to 31st day of August 2020 generally. Some of the extensions were there up to 31st of March 2021 also. And the period of relief was 28th day of March till 30th day of August. And this 14/2021 notification, which is still alive, which is talking up to 30th day of May, which may be extended later on as per the decision of the GST Council meeting, 43rd meeting, and it is extended up to 31st May. What I want to say here, that the benefit which has been provided in this notification is this. Only I will summarize that in this notification, there are administrative proceedings, there are quasi-judicial proceedings, there are return filing, there are n number of proceedings which have been included in this notification, and there are specific exclusion also. So department has relaxed, department has power to relax, and department in good faith by seeing the pandemic situation has given the relief as per this notification. Now what is happening in these notification, the currently which is 14/2021, some of the area is overlapping where the quasi-judicial proceedings are there and which has been relaxed by the Honorable Supreme Court order also. But if you see this notification, mainly you will see the administrative proceedings. Administrative limitations are there. I will give you example also. Now see, if there is registration proceeding, whether this relief is available as given by the order of Supreme Court, the answer is no. Whether the relief is available by the CBIC notification, the answer is no. Registration proceeding has been specifically excluded. And what is the beneficial situation as of now? Not applicable, because none of the order is giving, because this registration is purely an administrative function. There are certain documents, if you submit, they will grant you the registration. It may become quasi-judicial also in some times. I am going, I can say the construction which is safer rather than the construction which may be litigative moreover. Generally, the registration under the GST is an administrative function of the department. What about the application for amendment of registration? It is also administrative function, but the 35 or 14 notification has given the relief. If there is a time limit for applying for the amendment, you can take the benefit of the CBIC notification, the 30 days time limit or whatever, and you can apply accordingly. Now, show cause notice for suo motu cancellation. This is purely a quasi-judicial proceeding where a decision has to be taken. The principle of natural justice has to be followed by the officer, and the Supreme Court order and notification both are overlapping here.
And if both are overlapping, the beneficial is the Supreme Court order, which should be applicable. And this is, you know, this is my personal opinion, which I am giving you. And this is, you know, prone to litigation. Reason being, everyone would like to take the benefit out of this order. And this is a huge win. N number of laws are there in country, N number of limitations are there, but we are only restricted to the GST part. And if you see application for revocation of cancellation, notification also giving the benefit, and it is also a quasi-judicial proceeding, Supreme Court also giving the relaxation as per the language, and the beneficial is always the Supreme Court order, because Supreme Court order is still alive, and it is alive from 15th day of March 2020. It is more than a year. The limitation is excluded by the Honorable Supreme Court. Filing of returns, there is no relief. It is neither a quasi-judicial proceeding, neither a judicial proceeding. It is only an administrative function which is to be discharged by the taxpayers. And in some cases like TDS return, ISD return, and other returns, relief has been provided by the department. Payment of tax, there is no relief, neither by the Supreme Court order. You cannot say that I will not pay the taxes because the Supreme Court has excluded the time limit. Nothing going on. No relief from the notification, except specific notification if there is any for payment of taxes. If you see the TDS and TCS, there is no relief. The person has to deduct the TDS, person has to collect the TDS. And regarding the return, you have to go to the CBIC notification only, which is going to be the relief only in that case. Payment of interest. This is issue which is coming up. And I am of the view that if the amount is being collected by the taxpayer, business is being done, invoices are being issued, employees are moving from here and there, why the relief for interest is required for the large taxpayer? A small taxpayer, we can understand. And interest payment relief, neither this order nor this 35 or 14 order, except specific CBIC order which are relaxing the interest, shall be applicable. Payment of taxes, there is no relief. Application for refund. This is the, I think, the most litigious issue which everyone would like to know. As per my view, yes, these limitations, this is a quasi-judicial proceeding. Subsection 5 of Section 54 is clearly saying that the proper official shall satisfy himself whether the refund shall be granted or not, and no refund shall be rejected without giving the proper opportunity of being heard. These proceedings should be covered within the Supreme Court order, and the relief should be there if the refund application has not been filed. This order should give the relief, although the notification is also giving the relief, but is that relief is very small in compared to the Supreme Court relief. And if there is a show cause notice for rejection of the refund application, certainly this is going to give the relief, and notification also gives the relief, but the Supreme Court should be prevailed. A scrutiny of return, again an administrative function. If you see ASMT 10s are coming, it's an investigation routine functioning of the department. So it is not being covered by any of the relief. Best judgment assessment, quasi-judicial proceedings certainly will be covered by the Supreme Court order. Audit proceedings will not be covered. And if there is benefit given by the notification 14 or 35, that benefit will be available. And inspection, search and seizure, I have already told that this Supreme Court order is nowhere barring or restricting the government to take any anti-evasion measures or not to take any of the investigation proceedings. So these will still be continued. But if there is any limitation prescribed for filing appeal or for proceeding further, that should be given to the suppliers or the taxpayers. Summon proceeding, section 70, although it is a judicial proceeding, but it is investigation. Nothing about the limitation filing. It is the pre-show cause stage. It is the pre-penalty stage. It is the any action which is taken by the department stage. It should not be, in my mind, affected. Arrest is also there. Arrests are being made under section 69,
and demand, that is basically the section 73 and 74 adjudication of demand. If the matter is at that stage, I am of the view that it is covered by the relief given by the Honorable Supreme Court. And it is purely a adjudication proceeding where there are certain limitations, many limitations, even the percentage of the penalty which should be imposed or the amount of the penalty which should be there, so it should be applicable. And recovery proceedings, attachment, it should not be applicable. Appeal to appellate authority, yes, certainly. Appeal, it should be applicable, Supreme Court order, and even the notifications are applicable, whichever is beneficial, we have to check out. Penalty proceeding 122 section, show cause notice for penalty, it should be applicable. Detention, confiscation, goods, conveyance, e-way bill, etc. on the movement of goods, it is anti-evasion proceeding, which should not be affected by this. I have taken more than the required time. It was actually a 1.5 hour matter, but I have tried to put up here reason being, it is a very important issue. Yeah, yeah. I want that some, even we can become part of the this writ petition. And so far as the GST is concerned, now the benefit is very, you know, large, which has been given by the Supreme Court as per my personal view. Thank you very much. Sir, then what will happen for the intervening period of last order of the Supreme Court, March 20, and this? There is no intervening period. There can be an interpretation because the 8th March order is also surviving. In continuation to the 8th March order, this 27th April order has been passed. But if you see, the earlier order has also been restored. So there could be one view, it is, you know, very fine interpretation of law, which I think not less than Supreme Court can interpret, whether it will merge or not merge. But as per my view, yes, it is in continuation. It should be treated in spirit. It should be taken in intention that they want to give the relief. And if I am not able to file the refund application even after this Supreme Court order, this, 27th April, where is the relief to me? That is the point. So, sir, we should go ahead with queries or of the participants. Ek bar Puneet ji ka view le lo. Puneet ji, yeah, yeah. What about, I request Puneet ji, what is the view on it? Yeah, sorry. Ji, Sunil ji, thank you. And good evening to all the senior members and to all the participants. A very warm good evening to all of you. I think both Rohit ji and Chitresh ji have beautifully presented these several aspects that are arising from the GST Council meeting and the Supreme Court orders. I think the one thing that I have been able to read from the Supreme Court order, as the guardian of constitutional democracy in India and as the supreme judicial body in India, whose orders have the sanctity of being binding on all the courts below under Article 141 of the Constitution itself, Supreme Court has done a remarkable job. And the most important aspect of what they have done, according to me, is a simple word called simplicity. What I have understood is that if the problem is grave, the solution doesn't lie in hair splitting and in creating unnecessary distinctions. The solution lies in keeping things simple. And that's what the Supreme Court has done. The Supreme Court could have also ventured into an exercise of asking the learned advocate general, the president of the bar, and all those who would have probably been concerned with the case of giving suggestions, and thereafter create an elaborate table, and then table after table in each order,
amending the previous table, I don't know whether it would have benefited all of us the way this order, a simple one para order, which is being, we are trying to understand even a one para order with slides and slides and slides. What does it mean that even in simplicity, there lies some degree of complication? But when complicated things are further complicated, dates after dates after dates, extension after extensions, and in specific provisions, it is slightly bewildering. And Rohitji has already discussed about the approach which is being adopted. Not the intent, but the approach. So I think, and I would like to also touch upon one aspect which has not been discussed till now. If you look at the situation that we have been in, there have been two aspects to the problem. The first aspect has been touched by Chitreshji, that there has been a grave pandemic and people have not been able to have that kind of a contact which really completes the chain for compliance. The second aspect of it, which again has been slightly touched, but I would like to give a little more emphasis to it, is that we are all under a statutory curfew. The statutory curfew bars all type of movement and all type of activities. So much so that not even kirana shops are allowed. If that be the case, I ask myself a question, that the kirana shop which was required to comply on 20th and which was closed on 18th or 19th from the day on which the curfew began, how can, even if I want, how do I comply? So when once in a century crisis is seen along with the fact that there has been curfew and lockdown, which is statutory mandated under law, then one pure question of law that arises in this situation is that should the legal requirements, and we are talking about taxation, so let's focus on it. Should the requirements in taxing law, in so far as those people are concerned who are included within the curfew, so there are few excluded categories, for a minute, since we are discussing law, let's exclude them, because the argument which is coming from the side of government and which Rohitji also supported was, then if you are selling, then why can't you pay? All right, let's keep it aside, though there are arguments and answers to that also, but let's keep that aside. But in the context of the situation where people are not allowed to open, if they are asked to comply, how do they comply? So should there not be a system in place? We all know that this is a pandemic, government need money, and I will suggest what could have been done. If we understand that this is the second wave, and we also understand that there can be more waves, then my submission and suggestion would be that it should not be an ad hoc arrangement. It should be a simple solution which gives entire solution. It should not be a piecemeal pick and choose. Isko uthaya, TDS ko uthao, 194 IA, IB ko de do. Isko uthao, isko de do. 3B ko de do, 1 ko mat do. It's, I don't know what kind of a, everything, there can be reasons for everything. But when it is an all engulfing pandemic, which is all encompassing and so widespread, it needs simple solution. So this is something which I would have, which in my view, the period which is covered within the curfew should be wholly excluded as if it had never run. So it's a deeming fiction, which we call as deeming fiction in law. You say that 19th of April till 1st of June, if this is the lockdown period, we will assume as if no time has run in between. And that would alleviate at least the legal part of the problem, in the sense that it automatically obliterates all the dates and it automatically takes you where you were at the time when you stopped. Apart from that, if government wants to give anything, they can always give. If they don't want, but this is at least the minimum which citizens of this country would have expected, is what my understanding is.
Now coming to the second aspect of the matter, namely, what could have been the balancing approach? If the government needs funds, which we all agree, if government needs funds and problems of compliance are to be alleviated, according to me, the first problem that is there in GST is that there is a linkage of returns with taxation. Tax payment should immediately be made challan based, and it has nothing to do with linkage of returns. This is, I think, one thing which government needs to think very seriously and very fast. Second thing that I would suggest is that we have to create a distinction between payment of tax and compliances, all the compliances. So while payment of tax is vital for the government, compliance is not that vital. So service tax, we used to have 6 monthly returns. In fact, this can be a good ground for figuring out whether for all it can be a quarterly return. There is no need for a monthly return. We are all wasting our time in creating monthly returns. And with the increase in the level of e-invoicing, it can definitely be done. So according to me, government should have come out with some kind of a scheme where tax payments are created, are made to be paid as and when they become due. Of course, with the window of excluding the period which was under lockdown, statutory lockdown, wo aap exclude kar dijiye. और आपको अगर वो भी एक्सक्लूड नहीं करना तो उसमें बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दीजिए, 2-3% का मैक्सिमम, बट बाकी सब कुछ, टैक्स पेमेंट के अलावा बाकी सब कुछ आप इतना रिलैक्स कर दीजिए कि कोई भी एसएससी अपना जब ऑफिस संभाले, अपने जब बिजनेस संभाले, जब वो शॉप पे जाना शुरू करे, अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करे, 3 महीने बाद वो कहे कि लाओ जी अब मैं अपनी 3 महीने की रिटर्न्स, 3 महीने की कंप्लायंसेस, 3 महीने के टीडीएस सर्टिफिकेट्स, ये सब मैं भर लेता हूँ. तो ये मेरे को लगता है कि एक बड़ी ही सिंपल अप्रोच हो सकती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. और एक और चीज जिससे चित्रेश जी ने एक पॉइंट को कई बार ही बोला और आई अप्रिशिएट दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटिंग टू लेट फी. दे हैव ब्रॉट सम रैशनैलिटी इन इट, बट एट द सेम टाइम वन मोर एस्पेक्ट विच नीड्स टू बी गिवन अ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन इज इन दीज सर्कमस्टेंसेज आस्किंग फॉर 1.5% पर मंथ or for a part of month interest under income tax and 18% interest under GST is not just unfair, it is grossly unfair. It is profiteering from the citizens of the country in this pandemic period. I think the interest rates should not exceed 10% at all for larger SSEs, and for the smaller SSEs it should be not more than 5-7%, and that too in graded. In 3 months tak it will remain either 0 or some 2-3%, and thereafter if you don't pay, then up till next 1 year it will remain. These 2-3 things have to be made in general. Aisa nahi ki wo fir aayega, fir hum sochenge, fir karenge, aisa nahi ho sakta. You have to figure these out and do it very fast. And the last thing is jo hum log medical equipments or medicines ke upar itna discussion kar rahe hain, अगर आपको उसके इनपुट्स के ऊपर टैक्स मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बहस करने की वास्तव में जरूरत थी. और एक और बात मैं अपने आप से सवाल कर रहा था इस बारे में कि अगर ये कोविड ना होता तो ये मेडिसिन भी ना होती, ये कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत भी ना होती, ये एडिशनल कैपेसिटी की भी जरूरत ना होती, ना ये कंजम्पशन होता. तो अगर नहीं होता तो भी सरकार को ये टैक्स नहीं मिलना, अभी तो इनपुट में मिल रहा है. इन दीज सर्कमस्टेंसेस एग्जेम्पशन वॉज द लीस्ट दैट शुड हैव बीन डन. We would have even gone to the extent of thinking about zero rating, but exemption would have been the least. That is what I understand. So now coming to what the Supreme Court order means, I think much has been discussed. Only one point is there. Everything has been explained. Quasi judicial determination has also been explained by Rohit ji. Bas Rohit ji ne detention ki jo baat kahi, मेरे को जो समझ आया मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ. रोहित जी ने शायद ये बोला कि डिटेंशन विल नॉट गेट कवर्ड, फुल्ली अग्री, बट उसकी जो उसके आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर ऑल क्वाजी जुडिशियल. तो मैं आपको बस वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, रोहित जी भी वही कह रहे होंगे, मैं जरूर इस बात की जो डिटेंशन के बाद कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसके शो कॉज के प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसकी पेनल्टी पे करने की प्रोसीडिंग्स हैं, दे आर ऑल विद इन द क्वाजी जुडिशियल डोमेन एंड देयरफॉर विल डेफिनेटली गेट विद इन दैट. सो दीज वर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू से. So again, I would thank all of you for giving me this time. Now, I think we can take few questions, Sunil ji.
पुनीत जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा फोरम पे, वैसे तो हम आपस में बात करते रहते हैं जी, यू आर रिप्रेजेंटिंग मैनी फोरम्स मैनी एसोसिएशन इन वेरियस हाई कोर्ट्स एंड वेरियस फोरम्स एंड दिस रिलीफ इज बेसिकली इज द एजेंडा, और आपने मेरी बात को बिल्कुल ठीक पकड़ा, आई एम नॉट ऑन द इंटेंट, आई एम ऑन द वे ऑफ डूइंग, आई एम ऑन द वे दे ड्राफ्ट द थिंग्स, वो चीज़ें वो नहीं निकल पाती जो आनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि देखिए इन जीएसटी एवरीथिंग इज इंटरमिंगल्ड एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ यू वॉन्ट टू रिलैक्स वन थिंग ऑल अदर थिंग्स विल बी स्टक, तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस इन एडवाइजिंग एनीथिंग एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स चलान यू ऑलरेडी विच इज वॉज देयर इन माई यू नो लिप्स यू हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम हियर ऑलरेडी स्पोकन, तो काइंडली we have to be careful for both sides. The law is so intermingled that any relief which you are talking about, exemption or anything, I don't want to go into much of the any of the discussion. Kindly try to understand any revenue impact is very harmful for every citizen of the country. So that we should keep in mind. So always need balance that way. We should have some balanced approach from the government side and taxpayer side also. So, sir, we should already 6:25 around. So, we should. लीजिए question जरूर ले लीजिए, questions हैं chat box में, और भी किसी के question हो तो 10-1 मिनट question तो ले लीजिए अगर. Chat box में question है जो already हो गए उनको आप छोड़ दीजिए, जो discussion होगी rest of the questions you can take which have not been discussed. हाँ हाँ हाँ. Notice. यही बात मैं उस समय बस रोक के बताना चाह रहा था, शायद डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये नेट पर है या ग्रॉस पर है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑन नेट बेसिस, क्योंकि आईटीसी तो एक अलग बेनिफिट है, टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज ऑन ग्रॉस बेसिस, और जब आप लेट फाइलिंग की बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की, तो उसमें तो आईटीसी का सवाल ही नहीं उठता, जो आईटीसी आपका टाइम बार हो चुका है उस टाइम बार का कोई रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने पहले भी नहीं दिया ना अभी कोई ऐसा इंटेंट है, इट इज ओनली रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ 3B विद ग्रॉस योर टैक्स लाइबिलिटी, अब वो भी एक अलग इशू है कि बाद में बहुत सारा लिटिगेशन इस बात पे खड़ा होगा कि 3B तो मैंने बाद में फाइल किया मुझे आईटीसी ही नहीं मिला, तो इस पे पहले भी क्लैरिटी थी नहीं मिलेगा बेनिफिट, आईटीसी नहीं है और जो लिमिट्स कैलकुलेट होंगी वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर होंगी। तो सर इस पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन जाए पुनीत जी और रोहित जी की, ये जो आईटीसी का जो सितंबर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है इसमें भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में बेनिफिट एसएससी को देना चाहिए। देखिए सुनील जी, ऐसा है बेनिफिट बहुत सारे चाहिए थे और आज भी मैं व्यू में हूँ कि जो ईयर 2017-18 एंड 1890 इन दो साल से रिलेटेड जो भी ऑडिट्स हैं उनको विड्रॉ करना चाहिए था, डिपार्टमेंटल ऑडिट्स को परसू नहीं करना चाहिए था, और जो एक सर्कुलर आना चाहिए था कि नो स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन ऑन द प्रोसीजरल लैप्सेस बाय द टैक्स पेयर्स, लेकिन फ्रॉम द 1920 ऑनवर्ड्स और आईटीसी को लेकर, या आप पूरा आप समझते हैं कि यदि आप टोटल डेटा देखेंगे जीएसटीएन का, जो आपकी आईटीसी की अमाउंट है और जो आपके जीएसटीआर 2A का अमाउंट है उसमें जो ह्यूज मिसमैच है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट कि जो जीएसटी अभी अप्रैल मई जून आपको 3 महीने क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करना है तो करना है, इट शुड बी, लेकिन कोई भी ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट को नहीं मिला और उसका आईटीसी आप इस प्रिटेक्स्ट पे ले रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग व्यू ही हो सकता है या। और जो डिपार्टमेंट को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके में बहुत ही जरूरत है बदलाव करने की, और वो यदि तरीका सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट टच होगा उसमें, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अभी जो टच आ रहा है वो टच एरोगेंसी का टच आ रहा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, ये हमारा दर्द है। बैलेंस साइड
वासवानी जी, आई टोटली एग्री विद द व्यूज ऑफ वासवानी जी, बट एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज मैं करना चाहूंगा, यू मे डिफर सर, जो सेक्शन 16(4) है दैट प्रिस्क्राइब द लिमिटेशन, बट जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है दैट सेज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन, तो इन माय व्यू लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल. तो ITC is applicable. You can claim the ITC very well in your gesture 3B. This can be liable to dispute, but this is one of the view which is prevailing. Because they, if you see the condition which are given for claiming ITC, it says notwithstanding anything contained in this section. So section 16 subsection 4 is also overridden. Ah, sir. Sir, I request both the panelists. चित्रेश जी, आप थोड़ा इसका फैक्ट रखेंगे सामने की क्या आप किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ की जैसे की अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है की हम जो जीएसटी 3B लेट फाइल करेंगे, assuming कब का कब कर रहे हैं, let us take a date. तो we cannot claim the input tax credit. नहीं, let's say April 2020 का मैं October 2021 में कर रहा हूँ, ऐसा? हाँ, yeah, suppose अप्रैल का तो सर वो मिल ही जाएगा ना basically. नहीं, आप ये मान लीजिए जुलाई 2017 का ITC आज ले रहा हूँ. या you take. और return आज तक नहीं भरी, ये कह रहे हैं हम. नहीं, ITC नहीं लिया, उस invoice का ITC नहीं लिया. आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा सेक्शन 16 है उसका जो सबसेक्शन 2 है जो कंडीशन बताते हैं मुझे आईटीसी लेने की, वो कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन. अच्छा, मीनिंग देयर बेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इज आल्सो ओवररिडन बाय सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन दैट सेक्शन. So when limitation period is also section 16 subsection 2 is also overriding section 16 subsection 4, so the question limitation shall not arise. Puneet ji, main inka samajh gaya hu ye kya keh rahe hain, ek minute main reply kar deta hu. Actually jo aap wo dekh rahe hain na subsection 2, usme negative condition hai ki notwithstanding anything contained in section no ITC will be allowed unless these conditions are fulfilled. इसका मतलब ये नहीं है कि ITC will be allowed if these four conditions are fulfilled. आप समझिए, यदि चार condition fulfill नहीं होंगी तो ITC नहीं मिलेगा, बाकी condition तो as it is हैं. आप ऐसा interpret कर रहे हैं उसको कि मैंने यदि चार condition fulfill कर ली तो मुझे ITC मिलेगा ही मिलेगा, चाहे subsection 4 मुझे restrict कर रहा हो, ऐसा उसका intent नहीं है. This is one of the view. नहीं, बट वैसे भी notwithstanding का मतलब कभी ये नहीं होता कि it will override everything whatever is written. What it means, according to my understanding, is that whenever there is a conflict, the conflict will give way to that provision. But if there are two provisions which can simultaneously operate without any conflict, then notwithstanding doesn't have any impact. That is what my understanding is. Yeah, this can be, but I am saying there is some controversy in this also. So let's court decide, and maybe some cases will come because some of the professional and professional forums are taking this view. Sunil ji, next question. Please correct late fees of ITC 04 as per latest notifications. Yeah, I think ITC 04 ka cover kiya hai. Then all questions are over. Yeah. Aap fir Sanjay ji ko karo. So sir, thanks a lot for our guest speaker Chitraji and panelist and for nice deliberation and interactive session. Now I request Sanjay ji for vote of thanks. Sanjay ji appear ho gaye. Thank you. Bahut bahut dhanyawad Sanjay ji. Ji sir, thank you. Thank you Sunil ji. And I'm happy to deliver the vote of thanks as a convener of this great BBS GST group. So first of all, I would like to thank Chitresh ji for this wonderful deliberation.
And I think Chitreji is the first time on this forum, as I think. So it was a very, I will say a word to their deliberation. It was a self-interactive session. Means ki unhone questions bhi put up kiye aur unpe answer bhi diye. To bahut hi achha interactive session tha. और सारे कोविड रिलीफ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑर्डर सब उन्होंने कवर किए. सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन और हम चाहेंगे कि आप बस कीप कमिंग टू आर फोरम और अपने डेलीब्रेशन देते रहें. उसके बाद एज ऑलवेज मैं बहुत जोर दे के ये शब्द कहूँगा, एज ऑलवेज रोहित वासवानी जी और प्रीत अग्रवाल जी, इन दोनों को तो बस ये है कि जब ये आए तो बस सुनते रहो सारे काम छोड़ के. और इनका बहुत ही गहराई में जाके आपने, जैसे गागर में सागर होता है ना, तो रोहित जी ने तो उस ऑर्डर के ऑर्डर को बिल्कुल ऐसे ब्रेक कर दिया अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन में. जो 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन थी वो उन्होंने 10 मिनट में पूरी कर दी. और उसके बाद पुलिस जी ने जो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे सामने कि क्या क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, और उन्होंने जिस तरीके से क्लियर किया बाकी पॉइंट्स को, वॉज रियली वंडरफुल. तो दोनों पैनलिस्ट के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, और चित्रेश जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां. इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ VVSS विपिन अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारा ये आज का सेशन, हमारा क्या उनका सेशन है, उन्होंने उन्होंने अटेंड किया. सो थैंक यू वेरी मच सर. संदीप जी फॉर योर वेलकम एड्रेस, थैंक यू वेरी मच. एंड एट द एंड ऑल द मेंबर्स, ऑल द लवली मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स ऑफ द VVSS जिन्होंने आज ये सेशन मीटिंग वेबिनार अटेंड किया और बहुत सारे क्वेश्चंस करके और भी इसको काफ़ी इंटरेक्टिव कर दिया. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन. और एक बात मैं लास्ट में ज़रूर कहूँगा, जो शुरू में जब मैंने वेबिनार में एंट्री करी थी तो पुनीत जी ने मेरे से एक बात कही थी कि संजय जी आप हीरो बन गए ये जो कोविड और पोस्ट कोविड को फाइट करके. तो सर मैं एक बात कहूँगा पुनीत जी और सभी से कि एक्चुअली सही मायने में ना ये तो ठाकुर जी के हाथ में है कि वो किसको हीरो बनाए और किसको जीरो बनाए. बस उसने मुझे हीरो बना के आपके सामने बिठा दिया, आज मैं बैठा हूँ अच्छे से आराम से. और बहुत सारे ऐसे भी रहे जिनके लिए हम हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना कर चुके हैं कि जीरो तो नहीं कहूँगा लेकिन जिनको अपने पास बुला लिया. तो ये सब उसी की इच्छा है जी, वो क्या चाहता है. बस सभी के लिए प्रार्थना है और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. ओवर टू बहुत अच्छा बोला संजय जी आप, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच. आपको देख के रौनक आ गई सर. मुझे भी था कि आज मैं पूरा सेशन अटेंड कर पाऊं और मैं बहुत आराम से हूं, काफी अच्छी रिकवरी हुई है. बहुत आराम से पूरा सेशन अटेंड किया मैंने, बहुत अच्छा लगा सर आज, थैंक यू. अब देखिए रोहित जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अब हमारे संजय भाई इतने दिन अस्पताल में रहे और आज भी वो कह रहे हैं, इस बात को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने कितने की आराम से सेशन अटेंड किया. ऐसे में मतलब मैं सिर्फ एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति मतलब इतने लोगों ने फेस करी है इस बार कि सिर्फ यही दर्द है लोगों का सरकार से और कुछ नहीं. ये कोई ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देना चाहता, ऐसा कोई भी नहीं. अगर ऐसा होता ना तो 1,40,000 करोड़ आते नहीं, 1,00,000 करोड़ आते नहीं लास्ट. अच्छा सर 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 एक मिनट, मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगा कि मैं एब्सेंट था ऑफिस से, वर्किंग से, और मेरी टीम काम कर रही थी अपने अपने घर से. आप बिलीव करना कि ये जो एक्सटेंशन है लास्ट डेट है ना, इसका हम पे कोई असर नहीं पड़ता है. हमारे क्लाइंट्स भी और हम भी जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं, हमारी 100% कोशिश ये होती है कि उन ओरिजिनल ड्यू डेट तक हम सारे काम करते हैं. तो ये एक्सटेंशन का इसका कोई बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, बट हम लोग उसको मान के ही नहीं चलते हैं कि हमें 15 दिन और बढ़ाना है इस काम को. सबसे टैक्स पेमेंट फाइलिंग सब उसी टाइम से, रेयर कोई छूट जाए तो वो ठीक है उस एक्सटेंडेड पीरियड में काम कर ले अपना. तो कोई नहीं चाहता रियली, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, नो वन वांट्स, नेवर नेवर. बस इतना चाहता है कि कोई आदमी सर पे हाथ रख के ये कह दे कि हम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता नहीं करना. बिल्कुल इतनी बात है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, नथिंग. असली बात यही है बस कि सिर पे हाथ रखो, ये तो कह दे. बिल्कुल चित्रे जी आप पहले आए तो हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी शक्ल भी काफी देखी हुई लग रही है. सर BVSS में मैं पहली बार वैसे आपसे मिले हैं सर. अच्छा मिले हैं ना. हां
रोहित जी आप चित्रेशी आए हुए हैं तभी मैंने आपसे मिले होंगे जरूर फोरम पे शायद पहली बार ही है मैंने जैसे जाने मेरे वैसे तो आपसे कहा नहीं मिले आप तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं सर कुछ चीजें और भी बना रहा था क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि आप फर्स्ट लॉक हाँ संदीप जी आप बताएं कुछ कह रहे थे आई थिंक हमें फॉर्मली इसको क्लोज कर देना चाहिए सारी रिकॉर्डिंग हो रही है सर बहुत अच्छा लगा पुनीत जी रोहित जी और चित्रेश जी आपके रहने से ऐसा फील होता है कि कोई भी टॉपिक कोई भी डिस्कशन में कोई भी पॉइंट है उससे एक मोहर सी लग जाती है जैसे होता है ना एक मोहर सी भी और जैसे कहा ना कि कोई है सर पे हाथ रखने वाला हाँ, सर पे हाथ रखने वाले दोनों हैं जो संभाल लेंगे या दैट्स द पॉइंट सर हम लोगों को भी आपका व्यू मिल जाता है या सो बोथ वे चलो जी ओके थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट हरे कृष्णा Right, sir.